दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से। आज के इस टीम बी कॉन्फायर के बेहतरीन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज हम सभी को जिसका इंतजार रहता है वो दिन है, आज फाउंडर शेयरिंग डे है हमारा। तो आप सभी फाउंडर साथी जरूर अपना शेयरिंग रखें, क्योंकि कल जिस तरह से सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया है दोस्तों, ये सेलिब्रेशन रोज होने का वो समय आ गया है। और उसी एक्साइटमेंट को हमें बनाए रखना है, क्योंकि एक्साइटमेंट जितना हमारे जीवन में आएगा उतना ज्यादा हमें अनपेसिव और अपनी पूरी लाइफ का मजा आने वाला है। तो दोस्तों इस एक्साइटमेंट को बनाए रखें और अनपेसिव आज सही में उस लेवल तक पहुंच गई है जहां पर अभी तक किसी ने सोचा नहीं था। और उस लेवल पर पहुंचने के बाद जो खुशियां वो बांटने वाली है, वो सारी खुशियां हम सभी के जीवन में और चार चांद लगने वाली है। तो इसी खुशी को और ज्यादा हम बांटने के लिए, आज के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और आज हमारा जो फाउंडर शेयरिंग डे है उसका भी सेलिब्रेशन हम करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि सर आप आए और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। हमारे सुभाष नयन जी, प्लीज वेलकम सर, आप आए और इस सेशन को आगे लेके जाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जैसा कि हमारा टीम बिकॉन फायर के मंच पे जो सेशन है वो फाउंडर शेयरिंग डे का है, और कल जो हमारा सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, उस सेलिब्रेशन का सेशन था, तो बहुत सभी साथियों ने उस चीज़ का आनंद उठाया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, क्योंकि कल जो हमारे मेंटोर देवीलाल जी और राजेंद्र भटकर जी और कई सीनियर साथी भी इस मंच पे आए थे। तो आज मैं सभी साथियों का जो टीम बिकॉन फायर के मंच पे उपस्थित हैं, सभी नए साथियों का भी मैं वेलकम करता हूं। और आज जैसा कि हमारा जो टॉपिक हर दिन अलग अलग होता है, तो आज हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है, तो जो भी साथी अपनी शेयरिंग रखना चाहता है वो अपना हैंड रेज करके अपनी एंट्री दर्शा सकता है, और हम उसको बारी बारी से जैसे भी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा उनको बुलाते रहेंगे और उनकी शेयरिंग करवाते रहेंगे, और जानकारी एक दूसरे से शेयरिंग करने से ही मिलती है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध भी करता हूँ कि वो मंच पे आए और अपना हैंड रेज करके आज इसमें अपना योगदान दें, ताकि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑन पैसिव जैसा कॉन्सेप्ट है, एक अद्वितीय कॉन्सेप्ट है, जिसको यदि हम सीख के करेंगे तो बहुत ही आनंद उठाएंगे। और जो आनंद की जो जर्नी चली हुई है, अपनी ये यात्रा चली हुई है, इसमें आप भरपूर आनंद उठा सकते हैं। वो आप देख भी रहे हैं कि कल कितना, मान लो, अच्छा लगा सभी साथियों को। तो आगे की जो कार्रवाई है सेशन की, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा हरीश जी को बुलाना चाहूंगा। हरीश जी, वेलकम है सर आपका। आपका जो भी अपना सिस्टम है आगे शेयरिंग का, तो हम उसको आगे बढ़ाते हुए पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप मंच पे आए और अपनी बात रखें सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? थैंक क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। यू, थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। और आज टीम बिकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी फाउंडर्स का और हमारे सभी भाइयों का, बहनों का, मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा, दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, वेलकम और स्वागत करता हूँ माई डियर फ्रेंड्स। और कल का, जैसे कि सुभाष नैन सर ने बताया कि कल का हमारा जो प्रोग्राम था वो वास्तव में बहुत जबरदस्त रहा, काफी नॉलेजेबल भी रहा। देवीलाल सर ने, जो हमारे सीनियर हैं, मेंटोर भी हैं इस मंच के, और देवीलाल सर जी ने बड़े अपने शब्दों का बेहतरीन उपयोग कल किया, और सभी लोगों को ऑन पैसिव के फ्यूचर के बारे में भी, फ्यूचर दिखाने का जो प्रयास किया वो बहुत बेहतरीन था। काफी लोगों को बहुत मजा आया होगा दोस्तों। और ये दिन अब जो आने वाले हैं, आने वाले समय में ये डेफिनेटली सेलिब्रेशन के ही रहेंगे। नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस तरह से ऑन पैसिव अपने आप को एग्जीक्यूट कर रही है, अब वो समय आ गया है कि हमें और चीजों को थोड़ा सा गहराई से देखने की और समझने की भी आवश्यकता है कि किस तरह से चीजों को डिजाइन किया गया है,
ऑन पैसिव अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रही है ग्लोबली, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सभी फाउंडर्स हैं और फाउंडर्स आज तक हमें किसी ने इस तरह की अपॉर्चुनिटी कभी ऑफर नहीं की, और आज से के बाद ऑन यानी कि ऑन पैसिव के बाद भी कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी को ऑफर नहीं करने वाला है। साथियों, ये ऑन पैसिव है, ये एसर है जो एक बेहतरीन सोच के रखते हैं, एक पूरी मानव जाति के लिए कुछ बेहतर करने का जो उनका प्रयास है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, और एस सर की वजह से सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। एक आम आदमी को अपना भविष्य सुनिश्चित होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वास्तव में ऑन पैसिव एक चमत्कारिक रूप से कार्य करने वाली है। कल मैं आपको एक बात शेयर करूं, आपको कल मेरे पास एक कॉल आई जो कि बिहार से थी, और उनको कहीं ऐसे अपनी मीटिंग का लिंक कैसे कहीं से किसी ने सेंड किया, और उन्होंने उस पर मेरे को कॉल किया और उन्होंने बताया सर आप हरियाणा से हैं, तो मैं भी हम भी हरियाणा आते रहते हैं, बिहार से थे वो। मैं बोला सर आप किस उपलक्ष में हरियाणा आते हैं, तो उन्होंने कहा और कि सर हम ना भट्टे पे काम करते हैं, और मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि भट्टे पे आपने भी देखा होगा आपके नजदीकी जो ईंट भट्टे होते हैं उन पे जो लेबर काम करती है। उसने कहा मैंने उनको कहा सर आप क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि जी हम पथेरे हैं, पथेरे मतलब वो होते हैं जो ईंट पाथते हैं, और उन्होंने देखा होगा वो वहीं भट्टे पर एक झुग्गियां बना के रहते हैं और उसी किस तरह के उनके बच्चे भी वहीं रहते हैं, मतलब बड़ा संघर्ष का जीवन होता है। और तो मैंने उनकी लाइफ को इमेजिन करना शुरू किया और वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने कहा सर हम कभी आते हैं, हम रोहतक भिवानी भी आते हैं, वहाँ उसका फलाने का भट्टा है, वहाँ फलाने का भट्टा है, मैं भी भट्टे वाली लाइफ को, मेरे एक दोस्त का भट्टा है तो जान नजदीक से देख चुका हूँ। तो एक एहसास आया कि यार ऑन पैसिव देखिए कैसे किस लेवल के लोगों की जिंदगियों में कितना बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी यहाँ से, जब उसको इनकम आएगी, आप समझिए कि एक पथेरा एक एक बिल्कुल हम हमारे समाज के अंदर एक निम्न कैटेगरी में देखा जाता है ऐसे लोगों को, और वो अपने जीवन को संघर्ष करने के लिए डेफिनेटली दूसरे लोगों पर निर्भर हैं। कोई काम देगा ठीक है, नहीं देगा ठीक है, वो इस तरीके का लाइफस्टाइल होता है, फिक्स नहीं होता उनका जीवन स्तर। और उस कैटेगरी के लोग जब ऑन पैसिव में आकर फाउंडर मेंबर बनते हैं ना सर साथियों, और जब उनके जीवन में डेफिनेटली बदलाव सबके जीवन में होना है आर्थिक रूप से, और जब उनके जीवन में आर्थिक रूप से बदलाव होगा उनके वो क्या मतलब महसूस करेंगे, अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर पाएंगे जो कभी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। और वास्तविकता में यही ऑन पैसिव है। एक आम आदमी को चलिए हम अपने जीवन को थोड़ा बहुत ठीक ठाक अपना गुजारा कर रहे हैं, दाल रोटी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जहां बात सपनों की आती है ना दोस्तों, सपनों को साकार करना या कोई सपनों को साकार करवा रहा है ये बहुत बड़ी बात है, सपनों का पूरा होना। और ऑन पैसिव क्या करने वाली है दोस्तों, आपके हमारे और उन सभी लोगों के सपने साकार होने जा रहे हैं, ये पावर है ऑन पैसिव की। चलिए दाल रोटी हर एक जगह आदमी आज भगवान ने मुंह दिया है चुगा दिया है तो चोंच दी है तो वो चुगा दे देता है, जुगाड़ पानी करके हम अपने लाइफ को हर एक आदमी अपने जीवन स्तर में जीवन को गुजारता ही है, कुछ कम संघर्ष से कुछ थोड़ा ज्यादा संघर्ष से, लेकिन दोस्तों यहां बात है सपनों की। ऑन पैसिव हर एक व्यक्ति के सपनों को साकार करने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सभी फाउंडर हैं दोस्तों, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमें अपने उसका एहसास कर लेना चाहिए कि हम वास्तव में फाउंडर मेंबर हैं, और ईमानदारी के साथ लॉयल्टी के साथ हमें इस फाउंडर पोजीशन के महत्व को समझकर अपने अंदर वो बदलाव लाने की आवश्यकता है कि हम दूसरों को भी एहसास करवाएं कि यस वी आर फाउंडर। तो सोच बदलेंगे तो सितारे अपने आप बदल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ऑन पैसिव के बारे में आपके भावनाओं को आज व्यक्त करने का दिन है, आज फाउंडर्स डे है, तो आप सभी से गुजारिश है
कि अपनी भावनाओं को दबाए ना, अपनी भावनाओं को निखारें। ये ऑन पैसिव है, ये एकदम नई दुनिया का आगाज होने जा रहा है और न्यू ईरा ऑफ ऑन पैसिव यानी कि एक नए युग का शुभारंभ ऑन पैसिव की वजह से इस पूरी दुनिया में होने जा रहा है। आप और हम बहुत लकी हैं जो लाखों करोड़ों लोगों से पहले आज ऑन पैसिव के अंदर आ चुके हैं। तो उसी एहसास को अपने अंदर जगाइए और उस एहसास को अंदर जगाकर उस भाव को फिर बाहर भी निकालिए। इसलिए आप सभी का मैं अगेन वेलकम करता हूं आज के इस फाउंडर शेयरिंग डे पे, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं नैन सर से, प्लीज नैन सर आप आइए और आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर, थैंक यू रेज जी आपका। आज जो भी साथी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें और इस मंच का फायदा उठाएं, क्योंकि कल भी कुछ साथियों ने बहुत अच्छी बात बोली सर, ये मंच सिखाने का काम कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है सर, क्योंकि एक साथी थे अपने, वो मेरे हैदराबाद से थे एक तो। जी हाँ, मैं शेख मोहम्मद शायद नाम। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने ये बात वाकई बहुत अच्छी लगी सर, उन्होंने कल जो बोली भाई, यानी हम सही ट्रैक पे हैं और सही दिशा में हैं। तो बिल्कुल नैन सर, अच्छा लगता है ना, जब हमने शुरुआत करी थी इस मंच की तो अपनी काफी बात हुई थी। बिल्कुल और, बिल्कुल है ना, और के भाई कई कंफ्यूजन में भी थे, लेकिन आज हम जिस दिशा में अब सभी के सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है सर कि हम सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, और पूरी कोर टीम बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से इसमें सहयोग दे रही है। तो वाकई में ये काबिले तारीफ है सर, क्योंकि कोई चीज को चलाने के लिए देखो सहयोग जरूरी होता है। तो मैं फाउंडर साथियों से भी यही बात कहना चाहूंगा कि वो अपना हैंड रेज करें, अपनी बात रखें, क्योंकि हम एक दूसरे से जब सीखेंगे तो बहुत कुछ हासिल होता है उससे। ये मत सोचो कि मैं क्या बोलूंगा, जब आप बोलेंगे तो बहुत कुछ निकलता है, और उससे जो आपकी बातें हैं उनसे पता नहीं किसकी किसको मोटिवेशन मिल जाए और किसको नॉलेज हो जाए उस चीज से, वो बात पता नहीं किसको क्लिक कर जाए। बिल्कुल। तो और सुभाष जी देखिए, हम आपने भी देखा होगा और वो जो भी साथी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि हम छोड़ने वालों में से नहीं है, है ना, हम पीछे पड़े रहेंगे लगातार, और जब तक नए नए साथी आएंगे नहीं आगे बढ़कर। हम देखिए, और हम तो दोनों ही सुभाष जी हो गए, मैं भी हो गया, तो हम एक अध्यापक वाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि हम कमजोर बच्चे को भी आगे लाने का हमेशा प्रयास करते हैं कक्षा के अंदर, प्रयास करते हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो वही एटीट्यूड यहाँ भी रहता है कि हम बस हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अपने अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालें और बढ़ाएं। डेफिनेटली, चलिए सर आगे करिए, आज हमारे बीच डॉक्टर साहब आए, विश्वास जी हैं, वो कल उनका थोड़ा बीच में म्यूट हो गया था। हाँ, डिस्टरबेंस भी हो गया। तो डॉक्टर विकास विश्वास जी आपका वेलकम है सर, आप आइए और आज अपनी बात खुल के रखिए सर, सभी साथी आपको तैयार हो और आज से बहुत कुछ। और सर बहुत अच्छा लगता है विकास जी का जो लहजा है ना बोलने का, थोड़ा सा यूनिक सा है, थोड़ा सा हटके हमारे यहाँ के लोकल से, तो बड़ा अच्छा लगता है। विकास विश्वास जी वेलकम है सर आपका। प्रणाम सर जी, शुभ संध्या, हमारी बात सुनाई दे रहा है? जी 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 सर। हाँ देखिए सर, सबसे पहले तो मैं अनपसिब परिवार के सभी फाउंडर का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और हमारे मास्टर साहब गुरु जी हरीश शर्मा जी का चरण स्पर्श करता हूँ। अरे गुरुदेव, आदत ऐसा है, जैसे हम हरि भक्त है तो लोग बोलते हैं कि बड़े को या छोटे को ऐसा नहीं होना से, मैं बड़ा छोटा मैं नहीं मानता हूँ। तो हम क्या करते कि भारत के बहुत दिशा में हम घूमते रहते हैं, चारों दिशा में हम आते हैं। मैं पेशा में एक चिकित्सक हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि ये वो वन पसी भी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक विश्वविद्यालय है, एक गुरुकुल है। इससे पहले मैं कलकत्ता के बंगालियों का मीटिंग सुनता था, नेशनल मीटिंग सुनता था, लेकिन जब मैं हिमाचल प्रदेश के परम पूज्य अमर साध सलाट का लिंक आज से 6 महीना पहले से मैं पाया और प्रवेश करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि सलाट साहब एक बैंक मैनेजर थे,
या बैंक के कोई डायरेक्टर थे और 35 साल या 40 साल तक काम किया, उनका बात मैं गौर से सुनता हूँ, जैसे लगता है कि दादाजी बोल रहे हैं क्या, मेरे सहपाठी बोल रहे हैं, एक नौजवान बोल रहे हैं, मैं सोच रहता हूँ कितने फीलिंग है, कितना मतलब हर फैकल्टी के दिशा में बोलते हैं, हर दिशा दशा मतलब चिकित्सा के विषय में बोलते हैं, ह्यूमन के ऊपर बोलते हैं, हृदय की बात करते हैं, आध्यात्म बात करते हैं, हर दिशा की बात बोलता है। तो कभी कभी सर से मैं फोन से भी बात कर लिया करता हूँ, तो वन पैसिव जिनके नसीब में है, जिनके भाग्य में है, वही ले सकता है। जैसे कि हमारे अशोक सर बोलते हैं कलकत्ता के कि 8000 लोगों में से 7999 लोगों को हटा करके आपको आगे बढ़ना है। तो वास्तव में अशोक सर बहुत अच्छी बात बोलता है। और सबसे पहले मैं हरीश शर्मा सर जी को मैं नेशनल मीटिंग में सुना था, शायद मैं अप्रैल या मई में सुना था, तो आप बोले थे मैं मास्टर हूँ, इसे 20 साल से इस प्रकार काम कर रहा था हूँ। तो मैं अभी मेरे पास पेशेंट भी आया है, बहुत कुछ बोलना था लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक कविता बोलूंगा क्योंकि मेरे पास पेशेंट आ चुका है। शीर्षक है किनारे पर वन पैसे भी, 3 साल में तैरते हुए अन्न पैसे भी सागर, और ट्रिम की चाय की कप में भरना है गागर, हिमाचल के सुरिंदर सिंह मस्त है मानव, जब भी बातें करते हैं आप लगता है गजब, किसी भी पल फाउंडरशिप लेना होगा बंद, उसके बाद बल्ले बल्ले विश्व में आनंद, थोड़ा बहुत टाइम में बचा टाइमर निकट, अन पैसिव को समझे है जो ले लो फटाफट, किनारे तक पहुंचा दिया वन पैसिव जहाज, मातृशक्ति ममता मई मई सहोदर आवाज, तरुण जवान बड़े बुढ़े हर उम्र के लोग वन पैसिव के दिल दिल में प्रवेश किया, सबके दिल में प्रवेश किया वन पैसिव के रोग, रोगी होकर दुखी नहीं, धन कुबेर का घर 70 साल के अमर सलट रखते राजकुमार, विश्व भर में वन पैसिव में जितने फाउंडर सबसे अधिक भारत से है, सुनिए मिस्टर, समय सीमा समाप्त हुआ ऐसा लगता है, विकास चंद्र आप सभी को प्रणाम करता है। सॉरी सर मेरे पास पेशेंट आकर बैठा है, बोला प्रणाम, वी आर इन इट टू, थैंक यू वेरी मच। सुभाष जी थैंक यू सर, थैंक यू विकास जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी सर, और बहुत अच्छा लगा सभी साथियों को। तो आप इसी तरह से मंच पे आते रहिए और सर आगे अपनी शेयरिंग जरूर रखिए, और अपने जो भी साथी हैं उनको भी जरूर इनवाइट कीजिए सर इस मंच पे। तो थैंक यू सर आपका। तो नेक्स्ट साथी है अपने सनी नायक जी झारखंड से, वेलकम है सर आपका। मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? हाँ हो गए सर अनम्यूट, फिर हो गए म्यूट, अनम्यूट हो गए थे। हेलो सर सनी, प्रणाम प्रणाम सर, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सही रहा। आज जितने भी फाउंडर हैं हमारे या ऑन पैसिव के परिवार सभी को मेरे तरफ से प्रणाम सर। और मैं छोटी सी अपना बात रहना कहना चाहूंगा सर जी, आप बहुत अच्छी लगती है इस मीटिंग में, जब से हम आए हैं और सुन रहे हैं, जिस दिन नहीं सुनते हैं तो सर थोड़ा बहुत खराब लगता है मेरे को कि हम आ नहीं पाए आज, क्योंकि यहाँ एक एक पॉइंट एक एक बात हम लोग को सीखने को मिलती है और बहुत मोटिवेट रखती है अपने दिल को सर जी। और जैसे अभी सर ने बता रहे थे कि देखिए सबका भाग्य में सब कुछ होता है, लेकिन अपने भाग्य को लोगों ने अपने से ठुकरा देते हैं सर। भाग्य तो सबको मिलता है, लक सबको मिलता है, लेकिन लक को पकड़ना पड़ता है सर, और पकड़ के
उसको उसी तरह से रखना पड़ता है जैसे अभी हम लोग अपने ऑन पेशेंट को अपने दिल में रखें सर। आवाज आ रही है सर जी? यस क्योंकि हर कोई बोलता है कि मेरा नसीब खराब है, लक खराब है। हर कोई लक है सर, हर कोई का नसीब अच्छा है। खाली अपने सोच सही रखना है और सही चीज को पहचानना है सर। और इस मंच में आके सर मेरे को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, कुछ कुछ पॉइंट सीख रहे हैं सर, ताकि आने वाले समय में हम लोग आके मंच पे थोड़ा सा समय दे सकूं, दो शब्द कह सकूं। हर दिन हर न कुछ ना कुछ सर सीखने को मिलती है इसमें सर। इसीलिए मैं जितने भी फाउंडर हैं और हमारे जितने भी फाउंडर सुन रहे हैं, अपने सहपाठियों को वेबिनार में जरूर आमंत्रित करें, आए सुने दो सब सभी कहें, सभी को इसमें कहने का हक है, अधिकार है। हमेशा बोलेंगे दो सब कहिए, ताकि हमको बोलने का अभ्यास हो, प्रैक्टिस हो। क्योंकि अभी दूर दराज में सब कोई एक एक जगह अपने घर से बातें कर रहे हैं, महफिल में आए तो ताकि सभी को लगे कि नहीं सर, हम लोग जो वेबिनार में आए थे जरूर कुछ ना कुछ सीखे। हम लोग अभी तो बोलने थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं सर जी, हम लोग सुन सुन के जो भी हो, बिल्कुल टूटा फूटा जैसे भी हो, ताकि आने वाले समय में हम कुछ कह सके सर। बिल्कुल सर, तो सीखने को भी और बोलने बोलने का भी थोड़ा अभ्यास किया जाए। इसमें तो बहुत सारे फाउंडर को बोलने का मौका मिलता है सर। मैं तो सभी फाउंडर को बोलूंगा कि सभी को हैंडरेस करें, दो शब्द कहें, ताकि सबकी मन की बात, दिल की बात सुना जा सके सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सभी को मौका दिया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सनी नायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये मंच पे आके शेयरिंग की तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं लाला नारी शक्ति है तो उनको बुलाना चाहूंगा, लक्ष्मी प्रिया जी। लक्ष्मी प्रिया जी, यदि आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो वेलकम आपका, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मंच पे आइए। लक्ष्मी प्रिया जी, लक्ष्मी प्रिया जी हैं, उड़ीसा दे दिया से सर ही है मैंने। हमारे, और शायद ये शॉप पर हैं, इनका इनका बुटीक है। अगर लक्ष्मी प्रिया जी आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप भी प्लीज आएं। हेलो, जी हाँ यस सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम मैम, सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग जी। सर, सर मैं लक्ष्मी प्रिया बोल रही थी ओडिशा अनुगुल से जी। जी कुछ दिन पहले मेरे हरीश सर से बात हुई थी इस बारे में, ऑन पास में जब मैं एंट्री की तो मेरे को कुछ आइडिया इतना नहीं था, तो फिर सर से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाई, फिर सर से बात हुई मेरी तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया। हेलो, जी जी बोलते हाँ रहिए। सर मेरी आवाज आ रही है हाँ जी, सर। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए। जी, तो पहले तो भी हम लोगों ने ये जो होता है चेन बिजनेस होता है, जैसे कि मोदी केयर हो गया, हमें हो गया, वो सब नेटवर्किंग बिजनेस होता है, वो सब तक कर लिए हैं, लेकिन इसका तो, उसका और सिस्टम और इसका सिस्टम में थोड़ा बहुत बहुत फर्क है, थोड़ा तो नहीं है, बहुत फर्क है। और जितना मैं समझी मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी इससे जुड़ी रहना भी चाहूंगी और बाकी लोगों को भी मैं बता रही हूँ, तो मैं चाहूंगी जैसे मेरा भी थोड़ा आगे जाके मेरा फ्यूचर थोड़ा अच्छा हो, बाकी सबका भी अच्छा हो, जिसका फाइनेंशियली हो प्रॉब्लम में चल रहा है तो उनका भी थोड़ा अच्छा चले। हेलो, तो अभी अभी आपको आप मतलब कुछ क्लियरिटी महसूस कर रहे हैं उन पैसिव को लेकर? जी सर, ओके, तो
बस देखिए लक्ष्मी प्रिया जी, सभी फाउंडर्स को भी यहाँ से एक संदेश मिलता है। लक्ष्मी प्रिया जी उड़ीसा से हैं और काफी पहले से ये फाउंडर मेंबर बन चुकी हैं, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल या टाइम नहीं देने की वजह से इनके भी डाउट थे कुछ, या कंफ्यूजन था, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि ओन पैसिव क्या है और किस तरह से काम करेगी। फिर हमारी बात हुई और फिर ये अब वेबिनार में आएंगे तो डेफिनेटली इनको फर्क और फायदा नजर आएगा कि भाई ओन पैसिव किस तरह से एक आम आदमी के जीवन को बदल सकता है। और लक्ष्मी प्रिया जी, ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ नेटवर्क बनाने की आवश्यकता किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं है पैसा बनाने के लिए, ये सभी के लिए समान रूप से काम करने वाला है। चाहे कोई नेटवर्क बनाए, उसके लिए बस समय का फर्क रहेगा, जो भाई मेहनत कर रहा है उसको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, जो बिल्कुल पैसिव है उनको थोड़ा 2 महीने 4 महीने बाद मिलेगा। लेकिन ये श्योर है कि सभी को समानता का अवसर ऑन पैसिव देने जा रही है। तो अब लगातार मैं सर तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे कि हम लोगों का मतलब ऑनलाइन बिजनेस भी अगर इसमें हमको फायदा मिलता है तो हम अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं और उसको थोड़ा पब्लिसिटी भी दे सकते हैं। डेफिनेटली जी जी, वो इसको इसीलिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब हमको प्रोडक्ट मिलेगा, कब हम अपना बिजनेस थोड़ा इसके थ्रू नेटवर्किंग के थ्रू थोड़ा बढ़ाएं जी और सबको बताएं कि हाँ चलो। अभी तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा किसी को मतलब जानकारी होती है, लेकिन इसके थ्रू सब, जैसे कि आजकल तो हो गया इंस्टाग्राम फेसबुक सब देखते रहते हैं, तो अगर ऑनलाइन जैसे बिजनेस आजकल कोरोना के चक्कर में ऑनलाइन ही सब हो गया है, तो इससे हमको बहुत फायदा भी मिलेगा। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो मतलब पहले पहले अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो भी इसको लेके अपना बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे हैं आप लक्ष्मी जी। देखिए ये ओन पैसिव क्या कर रही है, ओन पैसिव एक सपोर्टिव सिस्टम डेवलप कर रही है, जो जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं उनके लिए इजी गोइंग सिस्टम है, जिनका ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस है वो ओन पैसिव के साथ जुड़कर अपने बिजनेस को ग्लोबली ले जा सकते हैं आसानी से, है ना। और जिनका अपना कोई व्यापार नहीं है उनके लिए ओन पैसिव रेडीमेड बिजनेस तैयार करके दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो और कुछ कहना चाहेंगे जी? जी मैं चाहूंगी कि बाकी जो लोग मतलब इसमें एंट्री किए हैं लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपने अपने जैसे सीनियर से समझ सके और बात करके अपना फंडामेंटल क्लियर कर सके, ताकि आगे चल के उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो वो मैं वही कहना चाहूंगी कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मैं इससे हमेशा के लिए जुड़ी रहूंगी, और बाकी मेरे जो भी जान पहचान के हैं उनको भी ये भी बताऊंगी कि कितना अच्छा है। बाकी तो सब मतलब सर ऐसा हो गया है कि आजकल नेटवर्किंग बिजनेस कोई कुछ भी आप बोलो तो वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं ये भाई चेन सिस्टम हो गया ना, तो हम लोगों को नहीं करना है, और या ऐसे ही हम जुड़ जाते हैं, फिर 1 महीना 2 महीना करने के बाद वो थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन इसका तो यही प्लस पॉइंट है कि इसका ये बिजनेस नहीं है, जो है डायरेक्ट है और साफ है। बिल्कुल, और यही इसकी खास बात है कि आप उन लोगों को ही तलाश कीजिए कि जिन लोग जिनको जो ये कहते हैं ना भाई हम तो कर लेंगे लेकिन हमारे से आगे नहीं होगा, तो आप सोचिए कि उन लोगों के लिए कितना बेहतरीन होगा। जी जी, चलिए मैं तो सर खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं भी बहुत पहले कर चुकी हूँ 2-4 बिजनेस, लेकिन मैं भी वही बोले कि नहीं चलो नहीं होगा ऐसा, क्या किसी को बताए कोई लेता नहीं है, ऐसा करता है वैसा करता है, रेट भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, और इसीलिए हम लोग भी बैकआउट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, बैकआउट कर चुके हैं। तो इस ये मेरा इसीलिए मैं मतलब इसमें जुड़ने का और इस अच्छा लगने का प्लस पॉइंट है कि एक नेटवर्किंग तो नहीं है, और लोग आजकल इंटरनेट से बहुत ज्यादा भी जुड़ चुके हैं, तो इसीलिए ये बिजनेस उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और फायदेमंद भी रहेगा। बिल्कुल डेफिनेटली, आपने जो बात कही कि लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं और यही हमारी स्ट्रेंथ है, और ये बिजनेस भी हमारा टोटली इंटरनेट का है। तो लोग आज अपना 4 से 5 घंटा तो एवरेज मान के चलिए आपके लोग इंटरनेट पे सोशल मीडिया ये वो इन पे व्यतीत करते हैं, और हम क्या लेके आ रहे हैं, हम इंटरनेट पे यूज होने वाले सभी टूल्स देने जा रहे हैं, और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी है,
मतलब कोई बच नहीं पाएगा किसी भी हालत में, सबको यूज करना पड़ेंगे ये टूल्स, और किसी को फोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। आज फेसबुक को छोड़कर बहुत सारी यंग जनरेशन इंस्टाग्राम यूज करती है या ट्विटर यूज करती है, तो उनको किसी ने फोर्स थोड़ी कहा करा कि भाई नहीं आपको तो यही करना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं बोला किसी ने। तो यही तो पावर है इस बिजनेस की और यही स्ट्रेंथ है। थैंक यू मैम। जी सर, थैंक यू। लगातार जुड़ते रहिए आप, और ये देखिए सीखने का बिजनेस है ना, एक एक चीज हमें सीखनी पड़ेगी। अभी आज एक लेटेस्ट वो ऑडियो आई कि प्रोफाइल पे पिक्चर डालनी है अपनी। अब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा कैसे प्रूफ, कहाँ से डालेंगे, कैसे डालेंगे, तो लेकिन वो जब इस सिस्टम के साथ जुड़ते रहेंगे, वेबिनार से कनेक्ट रहेंगे, तो वो सारी चीजों की जानकारी उनको मिलती जी, रहेगी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हमारा आईडी ग्रीन होता है, ग्रीन करने का होता है, तो मेरे को ये थोड़ा आइडिया नहीं था। मैं पहले जो मतलब हमारा लेडी सेक्शन था वहां पे सुनी कि आईडी को ग्रीन करना होता है, तो मतलब जैसे कि मैं अपने आईडी ग्रीन करने का मतलब क्या होता है, कि जैसे मैं और दो तीन दिन का आईडी बनाऊं तो मेरा आईडी ग्रीन होगा या मेरा ज्वाइन करने से ही ग्रीन होगा? हाँ, आपका आईडी ग्रीन करके करने का मतलब है पेमेंट करना। जब हम पेमेंट करते हैं, आपने अपनी पेमेंट कर चुके हैं तो आपकी आईडी ग्रीन है, आपने एनडीए भी साइन किया है ना, तो आपकी आईडी ग्रीन है। अब जनरली जैसे हम किसी का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो जब तक वो पेमेंट नहीं होता है तब तक वो आईडी उनकी ग्रीन नहीं मानी जाती, मतलब एक्टिव नहीं मानी जाती। ग्रीन का मतलब है एक्टिव करना। जी जी सर, जी सर, ठीक है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू लक्ष्मी जी। लक्ष्मी प्रिया जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, यदि आप उत्तर प्रदेश के तो पूछ सकता हूँ? जरूर पूछिए सर, पूछिए। लक्ष्मी प्रिया जी, आवाज आ रही है? वो म्यूट तो नहीं हो गए हैं? जी हाँ सर। हाँ जी बोलिए मैम। जब आपने कितना टाइम हुआ है ऑन पैसे में ज्वाइनिंग की? जी सर, मेरे को 2 महीना 2.5 महीना हो चुका है। 2-2.5 महीने हो चुके हैं। आपने अभी तक मीटिंग नहीं सुनी थी, तो उस टाइम में आप मीटिंग सुन रहे हैं, अब इस टाइम में आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं, डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? डिफरेंस सर ये लग रहा है कि मैं पहले उसको समझना चाहती थी, कि जैसे हम लोग पहले भी बिजनेस कर चुके थे, नेटवर्किंग बिजनेस में गए थे, कर चुके थे, लेकिन उसको क्या है कि पहले तो हाँ बोल दिए और सबको बोल दिए कि हाँ समझ ले, लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर गए तो हमको यही लगा कि नहीं, इसका अगर हम प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो हमको परसेंटेज तो नहीं मिलेगा। हम कितना मतलब जैसे कि होता है सबके पास तो पैसा नहीं होता है ना सर, तो या सब कुछ खरीद नहीं सकते। जैसे कि मेरा एक ऑनलाइन मेरा बिजनेस था अमवे का प्रोडक्ट इतना मतलब अच्छा है लेकिन कॉस्टली है, तो अगर हम प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो हमको परसेंटेज तो नहीं मिलेगा, अगर प्रोडक्ट बेचेंगे तो परसेंटेज मिलेगा। तो इसी हिसाब से ये अंतर था कि मैं पहले उसको समझना चाहती थी कि ऑन पैसिव का बिजनेस एक्चुअली में है क्या। तो मैं हाँ, मैं तो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ मीटिंग सुनती थी अनम्यूट होके, तो फिर धीरे धीरे समझ में आ गया था। फिर हरीश सर से बात हुआ था, मेरा एग्जाम चल रहा था तो मैं जूम मेरे को ऑन इंस्टॉल करना पड़ा, तो इसीलिए फिर मैं कुछ दिन के लिए उसको नहीं कर पाई मेरा मोबाइल का टेक्निकल इश्यू के कारण। तो फिर मैं हरीश सर से डिटेल्स में बात की तो मेरे को लगा नहीं ठीक है, मैं और फिर लेडीज सेक्शन भी अटेंड किया तो मेरे को लगा नहीं ठीक है, बाकी सब कर मतलब अगर कर पा रहे हैं तो मैं इतना एजुकेटेड और इतना मतलब समझदार होके क्यों नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल, तो ये मेरे को हाँ, मेरे को पहले तो लगा था कि नहीं भाई ये भी तो ये चेन सिस्टम ही होगा कि अगर हम सबका अगर आईडी बनाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा। मैं बोली कि नहीं, मैं पहले सुनती हूँ और समझना चाहती थी और फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये वाला बिजनेस पूरा अलग है और ये जो है टेक्निक ये हम यही जेनरेशन के लिए ही बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, थैंक यू लक्ष्मी प्रिया जी, आपने सही बात बोली। आपसे ये क्वेश्चन किया था कि बहुत साथी जो फाउंडर साथी है वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो मीटिंग में नहीं आते और वैसे ही सीनियर से पूछते रहते हैं सर ये कैसे हुआ। जिस तरह से आज एक मैसेज आया था हरीश सर ने बताया अभी कि प्रोफाइल पड़ा, यदि हम सिस्टम मीटिंगों में इस तरह से टच में रहते हैं तो हमें बहुत आसानी रहती है उन चीजों को समझने में। तो सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो साथी मीटिंगों में आया करें और अपनी बातें रखने की कोशिश किया करें ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और
और इस मंथ की तो एक खास बात है क्योंकि यहाँ टीचर्स ज्यादा हैं, तो टीचर की अगर आदत होती है वो क्लास में से किसी को भी उठा सकता है, तो किसी का भी नंबर आ सकता है, आप इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। जैसा कि लक्ष्मी पिता जी को पता भी नहीं था कि मेरे को किया जाएगा, तो जी सर जी बिल्कुल। तो क्लास में बच्चे होते हैं तो अध्यापक उनमें से किसी को भी उठा के पूछ सकता है। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की और इसी तरह से मंच पे आते रहिए, अपनी बात रखते रहिए और ताकि लोग जी सर बिल्कुल सर थैंक यू जी। तो वर्मा जी से चाहूंगा सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर लक्ष्मी प्रिया जी की शेयरिंग के बारे में। वर्मा जी हेलो जी 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 सुभाष सर हेलो हाँ जी बोलिए सर सर आप कंटिन्यू रखो मेरे पास कॉल आई हुई है। ओके ओके सर ओके ठीक है ना ठीक है सर। तो नेक्स्ट साथी है हमारे लाला बस जी, वेलकम है सर आपका। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, टीम बिकॉन फायर में मैं अपना स्वागत करता हूं सर। और सबसे पहले मैं हरीश सर हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे गुरु और सुभाष नैन जी वर्मा जी साहू जी और जितने भी हमारे कोर टीम के सदस्य हैं और जितने हमारे करोड़पति शेयर फाउंडर इस टीम में प्रोग्राम में मौजूद हैं उन सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं सर। सर देखो दिवाली तो साल में एक बार आती है, मैं उनके लिए कह रहा हूं जो आम जनता है जो अब तक ऑन पैसे में ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन जो साथी ऑन पैसे में ज्वाइन हो चुके हैं जिन्होंने अपनी आईडी ग्रीन कर ली है उनके लिए सर डेली दिवाली आ रही है क्योंकि इतनी खुशियां मिल रही हैं बार बार डेली नई नई हमें अपडेट मिल रही हैं जिसको हम सुन के इतने उत्साहित हो जाते हैं कि जो हमारी दिवाली एक्चुअल दिवाली है वो भी फीकी पड़ जाती है। तो मैं यही कहूँगा सर अभी तो दिवालियों की शुरुआत है, डेली अपनी दिवाली बनेगी तो आप इंजॉय करें और मस्त रहें सर। और सबसे ज़्यादा ये कहूँगा जो हमारे फाउंडर साथी हैं जो इस प्रोग्राम में आते हैं सर शेयरिंग करें, मैं क्योंकि हर बार कहता हूँ जब तक आप शेयर नहीं करोगे आपकी पहचान कैसे बनेगी और आने वाले समय में आपकी पहचान जबरदस्त पहचान होनी चाहिए। और कंपनी ने आप एक और दिया अगर जो हरी सर ने भी बताया था अभी अगर फाउंडरों के जितने भी हैं अपने प्रोफाइल में जाके फोटो लगाएं वो फोटो लगाने का मतलब क्या है ये आपकी पहचान का ही है जिससे आपकी पूरे वर्ल्ड में पहचान होगी विदेशों में ही पहचान होगी। जो विदेशी हमें नीचे उससे देखते थे इंडिया वालों को काफी क्या है इंडिया वाले कुछ नहीं है उनको पता है उनको भी पता लगना चाहिए सर अगर हम भी कुछ हैं और आपके आसपास में साथी हैं जो उनको सबको पता लग जाएगा। तो सर मैं यही कहूँगा आप कोशिश करें क्योंकि दिवाली का ये नहीं होता कि आप अकेले दिवाली मनाएं, हमें चाहिए कि अपने जितने भी यार दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं आप कोशिश करो आप उनको इसके बारे में बताओ, ये आपका काम है फर्ज बताने का और आगे उनके कर्म है वे समझे ना समझे क्योंकि हमारी जो दिवाली डेली बनेगी हमारे जो प्रोग्राम होंगे आपके आसपास के गाँव में शहरों में भी जो प्रोग्राम होंगे या आप खुद जब कंपनी लॉन्च होगी तो क्या सर अकेले दिवाली बनाएंगे। तो कोशिश करो सर अपने सभी साथियों को बताओ और उनको इसमें ज्वाइन करो ताकि वो भी आपके साथ मिलके डेली दिवाली मनाए और लॉन्चिंग के समय में एक ऐसा बम पटाखा छोड़ना हमें अगर पूरी दुनिया देखती रहे सोच में पड़ जाए अगर ये कौन सी दिवाली आ गई। तो सर मैं यही कहूँगा सर सभी साथियों से आप शेयरिंग करें और बोलने का मौका करें और अपने किसी भी साथी को मत छोड़ो सर इसके बारे में बताने के लिए क्योंकि आपको अफसोस ना रहे अगर मैंने किसी को बताया नहीं, आपने जिसको बताया बाद में उसको जिसने ज्वाइन नहीं किया तो उसको अफसोस रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आपको अफसोस नहीं रहना चाहिए सर अगर मैं अपने किसी मित्र को रिश्तेदार को किसी को बता नहीं सका। और दूसरा कारण है सर जरूरी नहीं है अगर मान लो आपके रिश्तेदार या दोस्त नहीं मानते हैं ज्वाइन होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर क्योंकि देखो हमारा इंडिया है हमारे इंडिया में सभी हमारे रिश्तेदार दोस्त है कि आप तक कौन आदमी कहाँ का कैसे मिल जाए। तो मैं यही कहूँगा कोई भी आपको मिले किसी का अगर आपने भाग्य बदलना है तो आप किसी का ही बदल सकते हो इसके बारे में बताते हैं। तो सर मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके आसपास में कोई भी हो सबको बताने की कोशिश करें, मैं भी कोशिश करता हूँ चाहे फेसबुक पर हो यूट्यूब पर हो चाहे कहीं हम रिक्शा में जा रहे हैं या कोई भी चीज़ खा रहे हैं कोई भी हो उनको बताने की कोशिश करो क्योंकि एक आदमी का भविष्य बदलना होता है कम से कम उनके पूरे परिवार चाचा ताऊ मामा जो भी रिश्तेदार बहन सिस्टर है आप उसका भी भविष्य साथ में बदल रहे हो। तो इससे अच्छा मौका ऑन पैसे में ही मिल सकता है और किसी भी चीज में नहीं मिल सकता सर। मैं यही कहूँगा सभी साथियों से
आप कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू लाला जी, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी सर। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड का बिजनेस है सर, कोई एक देश का पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि हम सभी एक ही परिवार के मेंबर हैं, तो हमें मिलकर इस चीज को आगे जानकारी देनी है। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली सर, थैंक यू सर आपका। तो नेक्स्ट हमारे साथी है देवेंद्र कुमार जी, सीनियर साथी हैं, ये भी कंटिन्यू मीटिंग में आते रहते हैं और बहुत कुछ सीखते रहते हैं, तो आज ये अपनी शेयरिंग रख रहे हैं, तो उनसे हमें भी कुछ सीखना है। तो वेलकम है सर देवेंद्र जी, आप तो आइए, आप अपना परिचय दीजिए क्योंकि बहुत से नए साथी भी हैं, और अपनी बात रखिए सर। देवेंद्र कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी आप तक आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर। हाँ सर, आ गया। जी जी जी, आवाज आ रही है सर पूरा? बिल्कुल क्लियर है सर। हाँ, सभी लीडर्स को नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र कुमार, झारखंड से हम हैं। और सर बहुत सारा बिजनेस तो हम लोग किए, नेटवर्क का बिजनेस, लेकिन सफलता शायद ही किसी को हाथ लगा हो, बहुत कम लगा है, निराशापन ज्यादा आया उसमें। जैसे कि बिजनेस का जब जन्म होता है, जैसे कि सबसे पहले जन्म हुआ था मेरा जिस ख्याल से फ्रेंचाइजीज का, जो फ्रेंचाइज लेते थे लोग मैकडोनाल्ड का, जो है बाटा का और सब का। उसके बाद बिजनेस का जन्म हुआ नेटवर्क बिजनेस का, लेकिन इस ऑनपरशिप को कौन सा बिजनेस का नाम दिया जाए सर? हेलो जी जी बोलिए सर। हाँ, तो उसके लिए जरा सा हमारे साथ पूछना चाहेंगे कि इस बिजनेस को क्या नाम दें हम लोग? आप बताओ सर पहले। हम लोग तो बस मिलेनियर हैं और बिलेनियर बनने वाले हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ हम लोग बिलेनियर हैं कि क्या नाम दिया जाए इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत करिए सर, आप अपनी शेयरिंग पूरी कीजिए, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं इसको। शेयरिंग है कि बहुत ही अच्छा बिजनेस है और बहुत कुछ, मतलब कि खोने के बाद एक अच्छा चीज मिलता है, थकने के बाद आराम करने का मजा कुछ और होता है। जी जी, इसलिए हम लोग बहुत नेटवर्क बिजनेस में थक गए, दुकान वगैरह चलाते चलाते थक गए, जिंदगी भर काम करने के बाद भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए अभी तक, जिसकी आदमी सपने देखता है, उम्मीद लगाए हुए है, सब कुछ देखते हुए के बाद मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया ताकि इससे हमारे सपने पूर्ण हो। और ऐस सर का कहना है कि आप लोग सारे सपने 10 गुना बढ़ा लें। जी बिल्कुल, तो इससे खुशी और क्या है सर? कम से कम सपने देखने के लिए तो हमें बताया जा रहा है कि सपने देखिए, पूरा तो हम करेंगे, ऐस सर का कहना है कि पूरा हम करेंगे, सपने देखिए आप लोग। बिल्कुल ठीक, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू देवेंद्र जी, आपने बहुत अपनी अच्छी शेयरिंग रखी सर, और आप इसी तरह से मन से, और आज बहुत से साथी आपसे भी मोटिवेट होंगे क्योंकि आपने तो वाकई में किसी काम को करने के लिए सपने ही प्रेरित करते हैं, और सपने यदि हमारे जिंदगी में तो हम वाकई में उस चीज़ पे काम भी करेंगे, और काम करेंगे तो हम डेफिनेटली सक्सेस भी होंगे। तो थैंक यू सर आपका, साथी को आमंत्रित करना चाहेंगे, वो भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, मधुसूदन बेंदे जी, बीओ साहब, जो टीचर्स के ऊपर ऑफिसर होता है तो वो उस डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करते हैं। तो मधुसूदन जी वेलकम है सर आपका, आप आइए और आज अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर। मधुसूदन जी, मधुसूदन जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? हाँ सर, हाँ सर, अभी अनम्यूट का ऑप्शन अभी आ गया। वेलकम सर जी, अभी कल का तो अपना सेलिब्रेशन ऐसा बहुत बढ़िया होगा सर। जी जी, आप
आप अपना परिचय भी दीजिए, क्योंकि बहुत से नए साथी हैं जो आपको सुनना चाहेंगे, और आप जर्नी जरूर बताएं सर, शुरू से आप कैसे उन पैसे में आए, आपको कैसा लग रहा है और आप कैसा महसूस करते हैं जब 10 लाख फाउंडर साथी हो चुके हैं, तो उसके बाद कैसा महसूस हो रहा है, तो थोड़ा बताइए सर। मैं सर मधुसूदन बांडे, रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर हूँ सर, रिटायर्ड बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो बड़ी जिम्मेदारी का हरी सर को मालूम है, सब ब्लॉक का टीचर का सब स्कूल का सब देखना पड़ता। अभी रिटायर हो गया हूँ, कोई काम नहीं है अभी, बस आराम से बैठे हुए, कोई काम करने का सोच रहे थे हम। अमरावती महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ सर, और जब 2019 की बात चल रही थी तो मैं 2019 में रिटायर हो गया था। अब क्या करना, कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने जो कमाई है, अपनी जो पेंशन है, उसमें से तो उसमें तो कुछ होगा नहीं सर। ऐसी जर्नी चल रही थी तो क्या करना, तो कुछ MLM चालू था, RCM जैसा MLM में वो प्रोडक्ट बेचना, वो लोगों को समझाना और लोगों को खरीदना, खरीदने को बोलना, अब जब खरीदेंगे लोग तब अपना कुछ तो भी वो पे आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ तो भी चल रहा था। उसके मीटिंग को जाना, वो मीटिंग के भी ये अपने चार्ज पड़ता रहता, वो 100 रुपये में मीटिंग करना, फिर वो मीटिंग में बोल देते कि ऐसा है, वो हेलीकॉप्टर से आ रहे, तुम भी हेलीकॉप्टर में बैठेंगे। मैंने बोला कब बैठेंगे, ये 300-400 रुपए का ये पे आउट होता महीने का, तो कब लोगों को कितना बोलना कि ये प्रोडक्ट अच्छे है, ये प्रोडक्ट यूज करो, घर में के प्रोडक्ट है, ऐसा चल रहा था सर 2019 की बात है। तो भटकर सर से, राजेंद्र भटकर है हमारे अमरावती में, तो राजेंद्र भटकर सर से हमारे संबंध अच्छे थे, तो मेरे भाई के तरफ, छोटे भाई के तरफ वो आ गए ऑन कैशू, और उन्होंने बोल दिया कि भाई कर लो तुम, जब कुछ भी नहीं था सर, कुछ भी नहीं था ऑन कैशू में, 2-4 वीडियो थे और मीटिंग का बिटिंग कुछ नहीं थी, वेबिनार वगैरह कुछ भी नहीं था, जबकि बात है शुरू 90,000 थे जब, तो लोग ऐसे बोल रहे थे जो कि भाई अभी ये बंद हो जाएगा 1 लाख पर, जुड़ जाओ। मैंने बोला जान दो, तो बेंगलोर में इसका एक ऑफिस है, वो ऑफिस के कुछ फोटो आ गए थे, मेरा लड़का बेंगलोर में PhD कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है IIM में, तो लड़के को मैंने ऐसा ही बोल दिया कि भाई ऐसी सी बात है, ये एड्रेस है, तो तू कुछ तो भी वो देख ले, नहीं तो बहुत कंपनी में डूब गए थे ना सर, तो हम अपन डूब गए वो कुछ बात नहीं, लेकिन रिलेटिव को डुबा के बैठे थे ना, तो रिलेटिव भी बोल नहीं रहे थे कि भाई तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, वो बहुत कंपनियां बोलने का नाम नहीं लेता मैं, तो बात ऐसी थी सर। तो अनुभव बहुत खट्टे थे सर, आवाज नहीं आवाज आ रही सर, बहुत खट्टे थे, कहने का मतलब ये है बहुत ही खट्टे थे सर, तो बहुत कितनी भी सर्विस की ईमानदारी से सर्विस करने के बाद क्या होता सर, कि कोई कुछ मिलता नहीं, जो जो अपना घर बार चलाना है वो चल जाता कुछ तो भी, और वो कुछ रहता नहीं बाद में, सिल्लक नहीं रहता कुछ ज्यादा, वो जो मिल गया उसमें दोनों बच्चे का रिटायरमेंट के बाद भी एजुकेशन करना चालू था, क्योंकि बच्चों का हुआ नहीं था एजुकेशन, ये छोटे का भी नहीं हुआ, बड़े का भी नहीं हुआ, अब पैसा करना भाई, रिटायरमेंट के बाद जो पेमेंट मिल जाएगा, तो उसमें सर मैंने फिर एक दो महीने तो मैंने कुछ सुना नहीं इसका, वो क्या मतलब लड़का बोले कि कुछ नहीं, वो ऑफिस में दम नहीं बोले, वो अंदर नहीं जाने देते, वो कुछ नहीं, एक रूम का दिख रहा है मेरे को, तो मैंने कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि बहुत ये बैठ गए थे, झटके बैठ गए थे, तो फिर एक दो महीने के बाद मैंने सोचा सर कि जाने दे, 9,086 रुपये बैठ गए, ऐसा ऐसा सोच के मैंने इसको ज्वाइन कर लिया सर। तो बाद में वेबिनार चालू हो गए, एंड वेबिनार चालू होने के बाद जो जो गति आ गई सर इसमें,
तो तुम पूछो मत, ऐसा ऐसा दिल कर रहा था कि अपन अब आज कभी भी हो जाओ। मैंने हरी सर को बहुत बार बोला सर कि कभी भी हो जाओ, लेकिन हो जाना है। और अपन जो अपना जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे, ये छूट जाना है दोस्तों, ये छूटने वाला है। अपने सबको मिडिल क्लास के लोग है सर, अपन तो मिडिल क्लास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहता, और उसमें ज्यादा के ज्यादा ईमानदारी से जो सर्विस करता सर। अभी टीचर लाइन में तो हम, मेरे को सबको मालूम है कि टीचर लाइन में हमारे एजुकेशन लाइन में ये बहुत कुछ होता नहीं। अभी अब जो मिलता वो उस पर सब चलाना पड़ता, तो ऐसी बात है सर। तो ये हम पेशे में ज्वाइन होगा, और जब से ऐसा लग रहा है सर कि हरी सर ने वो बोला कि अब तुम अपने पास गाड़ी आ गई अपने पास, ऐसा ऐसा सोचने का दिल करता, क्योंकि दिल करता बोले तो वो मुंगेर लाल के सपने ऐसा बात नहीं है सर। इसमें ये इसमें ऐसा है कि ये सपने सच होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप सब दोस्तों लोग जो आप देख रहे होंगे कि हर दिन की अलग अलग न्यूज आ रही, हर दिन का आज अपना फोटो अच्छा सा फोटो अपने प्रोफाइल पे डाल दो, तो हरीश सर ने फटाक से जो लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई, कुछ लोगों को समझ में कैसा नहीं आता सर। अभी बोला सर लालवत जी ने कि भाई जुड़ जाओ, मीटिंग करो, वेबिनार करो, आप समझ में आ जाता सर। तो हरीश सर ने तो भी ऐसे लोग रहते भाई, देखो कितना सामाजिक कार्य करने का दिन है सर हरीश सर का, कि वेबिनार में तो बताती लेकिन उन्होंने वीडियो ऑडियो भी डाल दिया, ये क्लिप भी डाल दिया कि कैसा कैसा करना है, वो वीडियो के माध्यम से डाल दिया। मेरे को तो सर मेरा दिल भरा है कि कितना ख्याल रहे सब लोगों का। आप बहुत पुण्यवान है सर, आप बहुत पुण्य मिल जाएंगे सर लोगों का। तो देखो सर हर रोज का एक न्यूज आ रहा है, तो बात ऐसी है सर अपन बहुत डूब गए। जब बिटकॉइन आ गया था तो अपने को मालूम नहीं था, क्योंकि वर्चुअल कुछ नहीं था, और सब घर घर जाकर वो बिटकॉइन का जो घर में पहुंच गया वो बिटकॉइन उनको आ गया। अपने आगे आया भी होगा कोई अपने पास कि बिटकॉइन खरीद लेते क्या, तो जबकि परिस्थिति ऐसी था कि वो कुछ खरीदने का दिन नहीं होता था, कुछ पैसे नहीं थे, तो जैसा कि अपन ने उस पर ख्याल नहीं किया दोस्तों, लेकिन वो अभी देखो वो करोड़पति हो गए लोग। तो ऐसा एक मौका आ गया, अभी तो मौका कुछ दिन रहेगा दोस्तों, जो मौके को मत छोड़ दो और इसमें जुड़ जाओ और वेबिनार करो। वेबिनार से क्या होता सर, अपनी मीटिंग करो, वेबिनार करो, सुनो हरी सर का, अपने 8 बजे का सुनो, नहीं 8 बजे का बैठना होता तो यूट्यूब पर सुनो। मैं तो सर 5:30 का एक आधे दिन बैठने नहीं होता तो मैं उसको यूट्यूब पर सुनता, और वैसे भी एक आधे बार इसमें भी बैठ गया, पर मेरा कल मेरा भटकर सर का छूट गया था, फोन आ गया था मुझे, तो आज मैंने भटकर सर का सुन लिया, तो उसके बाद में तो कंटिन्यू रहेगा मैं तो ऐसी। उसमें क्या होता सर, अपना माइंड सेट हो जाता, क्या रहता सर कोई भी बात करने को अपना माइंड सेट होने को होना, ये बाद में की बात रहती कि क्या करना क्या नहीं करना, पहले अपना माइंड सेट, और माइंड सेट वेबिनार से हो जाता सर, वैसा होता नहीं। और हम तो सर जब जुड़ गए तो कोई वेबिनार नहीं था, हरीश सर को भी मालूम है। अभी हरीश सर ने तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया सर ये, तो मैंने अब आज एक जने को बोल दिया कि 5:30 बजे का प्लेटफॉर्म अपना लगता सर ये प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पर हरीश सर ऐसे इजी लैंग्वेज में समझा देते, इजी शब्दों में समझा देते कि कैसा है भाई, कैसा करना क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब समझा देते सर। तो बहुत बढ़िया लग रहा सर अभी तो, अब ज्यादा दिन नहीं है दोस्तों, अब कुछ दिन की ये थोड़ा सा पेशेंट रख लो कुछ दिन के लिए, और इतने दिन तो रख रहा अपने बहुत दिन से, अभी लोग आप अभी हम तो 90,000 से जुड़े हुए है जब से सर चालू है अपना, तो अभी होगा ऐसा बिल्कुल 100%, क्योंकि हरी सर बोलते हैं ये प्लेटफॉर्म 100% लोगों के लिए, 100% सक्सेस 100% लोगों के लिए, 100% सक्सेस 100% पीपल के लिए।
तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा दिया सर सर ने, उनकी सोच बहुत अच्छी है, तो वो सोच के सोच को समझ लो थोड़ा और करो सर, अभी भी चांस है, जो लोग नहीं आए अभी वो कर दो। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू सर हरीश सर, मुझे बोलने का चांस दिया। थैंक यू मधुसूदन सर, और आप हमेशा से हमारे आदरणीय हैं और हमेशा रहेंगे, और आप इस मंच पर आकर जो अपना आशीर्वाद देते हैं, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आपने बिल्कुल सही बात की कि जब हम वेबिनार के अंदर बैठते हैं तो माइंड सेट होता है, और दोस्तों देखिए इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है माइंड सेट, क्योंकि जब हमारा माइंड सेट हो जाता है किसी भी कार्य के प्रति, तो एक डेडिकेशन होता है, एक संकल्प अंदर से पैदा होता है। और संकल्प की परिभाषा कई लोग अलग अलग लेते हैं, लेकिन जो भी किताबों के अंदर या हमारे ग्रंथों के अंदर भी जो लिखा हुआ है कि संकल्प होता है लगातार किसी भी बात को बोलना, आप लगातार जब आप किसी भी बात को बोलते हैं तो वो संकल्प बन जाता है। और इस ओन पैसिव के वेबिनार्स के अंदर जब हम लगातार बोलते हैं अच्छी अच्छी बातें, सकारात्मक बातें, लाइफ के को बेहतर बनाने की बातें बोलते हैं, पूरे विश्व के लिए हम अबंडेंस की बात बोलते हैं, तो वो डेफिनेटली संकल्प होता है। और जब संकल्प शक्ति जब पैदा होती है तो वो एक ओरा क्रिएट करती है, और उस ओरे की वजह से फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के अंदर जाती है, और साइंस का नियम है समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं, और तो जैसी फ्रीक्वेंसी हम ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं उसी तरह की फ्रीक्वेंसी हम स्वीकार करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली चीजें उसी तरीके से बदलती हैं हमारी लाइफ में। और इसी वजह से ओन पैसिव बेहतर सोच डेवलप कर रहा है, बेहतर माइंड सेट डेवलप कर रहा है, बेहतर फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेज रहा है, और बहुत बड़े लेवल पर भेज रहा है, तो डेफिनेटली इसी तरह से लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। थैंक यू मधुसूदन सर, बहुत अच्छा लगा आज आपने पूरा डिटेल में अपने बारे में बताया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके सर, ओके। चलिए साथियों, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे एक कोर टीम मेंबर हैं, जो काफी समय से थोड़ा कुछ बिजनेस की वजह से अपने बिजनेस में बिजी थे, तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार विकास पवार जी जो कि महाराष्ट्र से हैं, तो एक बार प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और आप अपनी शेयरिंग कीजिए। सर वेलकम सर, विकास जी। थैंक यू हरीश सर, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रहा है सर मेरा? यस। ओके, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, टीम बिकॉन फायर की तरफ से मैं विकास पवार यवतमाल महाराष्ट्र से, यहाँ उपस्थित सभी जितने भी एलसी मेंबर है और जितने भी हमारे गो फाउंडर के मिलेनियर और बिलेनियर्स है, इनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों पहले तो सभी एलसी मेंबर से मैं और सभी उपस्थित से मैं सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि करीब करीब एक महीना हो गया मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, क्योंकि मेरा खुद का कुछ प्रॉब्लम था, मेरा खुद का कुछ काम था, इस वजह से मैं मीटिंग नहीं कर पाया। इसके लिए सभी से मैं सॉरी कहना चाहूंगा, माफी मांगूंगा। और दोस्तों जैसा कि अभी सभी ने अपना शेयरिंग किया, दोस्तों सच में हम इतने खुश नसीब है, इतने किस्मत वाले हैं कि हमें ऑन पैसिव जैसा कॉन्सेप्ट मिला। दोस्तों जैसा कि बहुत से लोगों ने कहा कि हम शेयरिंग कर रहे हैं, वैसे मैंने भी इस कॉन्सेप्ट के लिए, ऑन पैसिव के लिए दोस्तों मेरे जितने भी कम वक्त है, बहुत कम वक्त है, और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितना भी चाहे अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को इस कॉन्सेप्ट में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुशनसीब है हम कि अभी सामने देख रहे हैं कि ऑन पैसिव किस
स्टेज पर, किस मुकाम पर आके पहुंच चुका है। तो दोस्तों सबको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपका तो भला हो चुका है, आप मिलियनियर बिलियनियर बन चुके हो, लेकिन अपने पास के अपने जो दोस्त है, रिश्तेदार है, उनको भी इस कॉन्सेप्ट में लाने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू हरीश सर। थैंक यू वेरी मच विकास जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बात की। और देखिए ये बिजनेस हम सबका है, डेफिनेटली सबका इंडिविजुअल बिजनेस है, और आप अपने उस प्रेजेंट बिजनेस में जो भी आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जब भी थोड़ा बहुत समय निकलता है तो आप एक अच्छे लीडर हैं, और आप एक बेहतरीन टीम के मतलब ऑर्गेनाइजर हैं, तो आप डेफिनेटली समय निकाल कर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि मैं इसके बाद में हर रोज अटेंड करूंगा सर। हाँ, मेरा क्योंकि देखिए जो लीडर होता है ना सर, लीडर के कंधों पर जिम्मेदारी होती है और टीम की। तो डेफिनेटली हम जब इस एक जिम्मेदारी के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको पूर्ण रूप से निभाना ही हमारा कर्तव्य है सर। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच विकास जी। तो साथियों और हमारे बीच में और काफी नए साथी भी उपस्थित हैं। जो भी नए साथी हैं आज पहली बार अगर इस मंच से जुड़े हैं तो अगर वो अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं तो प्लीज हैंड जरूर रेज कीजिए। और इन बिटवीन हम चाहेंगे कि एक हमारे बहुत ही अच्छे फाउंडर मेंबर हैं, लॉयल फाउंडर मेंबर हैं, जो इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से ओन पैसिव को, मिस्टर गोपाल। मिस्टर गोपाल आप हैं रूम में, मैं आपको एक मिनट देखता हूं। तो मिस्टर गोपाल हैं, चलिए हम एक उससे पहले आपका, मिस्टर गोपाल जी आप रेडी रहिए, नेक्स्ट आपको हम सुनना चाहेंगे। बिमला जी हैं, आपको अनम्यूट किया जाता है। बिमला जी प्लीज आप आइए, वेलकम है आपका जी। बिमला जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? बिमला, हाँ बिमला ही नाम है, यस वेलकम है जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया, इस लायक समझा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच सर जी। सर मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के शुरुआत कीजिए। जी माई सेल्फ विमला कुंडा प्रयागराज की धरती से बिलोंग करती हूँ सर जी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश जी। जी जी मैंने अभी नए सर आज पहली बार मीटिंग में आई हूँ सर, नई जॉइनिंग है मेरी सर। मेरे बहुत डाउट से है मन में। अच्छा कि ऑन पैसिव सर इतना पैसा लोगों को कहाँ से देगी, इतने सारे फाउंडर बन गए हैं सारे, मतलब 1,00,000 से भी ऊपर हैं सर। बिल्कुल, एक कितना, तो इतने सारे फाउंडर्स को कहाँ से पैसा देंगे? नहीं बिमला जी आपने क्या कहा, कितने फाउंडर बन गए हैं? 10,50,000। हाँ 10,00,000 से ऊपर जी, 10,08,000 समथिंग हो गए हैं जी। आपने कब ज्वाइन किया है बिमला जी? सर 2-2.5 महीने हो रहे हैं, पर मीटिंग में मैं कभी नहीं आ पाई। मीटिंग में आज पहली बार आए हैं। ओके बिमला जी, देखिए इस सारी चीजों को समझने के लिए हम आपसे केवल एक अनुरोध करेंगे कि आप लगातार भी मीटिंग अटेंड कीजिए, क्योंकि ये एकदम से या एक दिन में समझने वाली बात नहीं है। हमें भी इस बिजनेस को समझने में कई महीने लगे थे, जब ये समझ में आया था कि ये इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट के ऊपर पैसा कैसे जनरेट होता है, इंटरनेट मार्केटिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, और ऑन पैसिव की तरह से एक नई व्यवस्था क्रिएट कर रहा है सभी आम जन के लिए ना। तो आप लगातार, आपसे केवल यही विनती है कि आप लगातार वेबिनार अटेंड कीजिए। आज जैसे हमारा फाउंडर्स शेयरिंग डे है और हर रोज हमारा अलग अलग टॉपिक रहता है इस टीम बिकॉन फायर के मंच से,
कल हमारा वाई ऑन पैसिव रहेगा, परसों हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, थर्सडे को हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा। तो आप लगातार वेबिनार अटेंड। कई लोगों को मैंने जी बोलिए। यस सर, कई लोगों को मैंने बताया तो वो कोई को विश्वास नहीं, बोलते हैं कि ऐसा मैं कुछ नहीं चले लेकर नहीं एक दो महीने पहले। देखिए बिल्कुल सही बात है, पहले तो हेलो आवाज आ रही है जी, हेलो आवाज आ रही है मेरी, नेटवर्क इश्यू हो गया था थोड़ा सा। हेलो संतोष जी मेरी आवाज आ रही है क्या? बढ़ाकर आप से बताएंगे तो उनको भी समझ में आएगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हेलो आवाज आ रही है सुभाष जी? ये क्लियर है सर अब तो। वो एक्चुअली लाइट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। जी मेरी आवाज आ रही थी सर? हाँ हाँ अभी अभी मुझे तो अभी सुनाई दी है सर, जब ये दोबारा रिकनेक्ट हुआ है। संतोष जी मेरी आवाज आ रही थी सर बीच में? चलिए विमला जी, सुभाष जी ने आपको मैसेज दिया है कि आप लगातार जुड़िए, देखिए अभी सुभाष सर ने भी आपको क्लियरिटी दी है, ये बिजनेस आप इस बिजनेस को बहुत डिफरेंट तरीके से लेके चलिए, ये कोई आम कंपनी या मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है कि इसमें लोगों का है ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, तो ये बहुत डिफरेंट है और इसको समझना और सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक है जी, विमला जी आप लगातार जी का सोच रहे थे, लाइव ही लगा चुके हैं जी, पर ग्रीन नहीं हुई है उनकी सर, क्या करें? नहीं उनको वेबिनार अटेंड करवाइए पहले तो, देखिए आपको पहले तो, अभी आप ये कह रहे हैं आपने 2-3 महीने पहले ज्वाइन किया था, अभी आपको ही नहीं कुछ पता तो आप किसी को क्या बताएंगे, है ना? तो जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, और नॉलेज हाँ भाई देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ मैम, आप उनका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको आपको अभी पूरा पूरी जानकारी नहीं हुई है, और जब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी तो आप उनका जवाब भी दे पाएंगे, है ना? तो और बस ये प्रयास कीजिए, आप लगातार इन वेबिनार्स को से अटेंड करवाई कनेक्ट करिए अपने लोगों को, और आप भी आप लगातार आइए तो आपको पूरी क्लियरिटी होती चली जाएगी। चलिए ओके जी, थैंक यू। लगवाना चाहते थे घर में अपने हस्बैंड जी का, तो वो भी बताते हैं कि नहीं मुझे विश्वास नहीं कि नहीं, देखिए ऐसा ऐसा है विमला जी, आपने अपने सीनियर से आप उनकी बात करवाइए ताकि वो उनको बेहतर तरीके से समझा पाए, या इस वेबिनार्स को अटेंड करवाइए, दो ही तरीके हैं। ठीक है जी, और आपसे ये भी अनुरोध है जो भी नए साथी आए हैं कि टीम बिकॉन फायर के चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार पुरानी वीडियो भी देखने को मिल जाएं, हमारी वो सारी वीडियोस वहां पर पड़ी हुई हैं, तो और नई वीडियो सर, सर मुझे विश्वास है पर घर के लोग ही बोलते हैं कि ये सब है क्या। देखिए जब आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं आपको विश्वास है, दूसरी तरफ है अगर कुछ बोलते हैं तो आप उनका पर्टिकुलर जवाब दे पाएंगे जब आपके पास पूरी जानकारी होगी, है ना? एक तो वैसे जी कहते हैं पैसे नहीं, मेरी आरडी कहां से ग्रीन हो, यही बात होती है, या तो हम जानकारी लें, एक तो होता है अंधविश्वास और एक होता है विश्वास। विश्वास बनता है जानकारी से, ज्ञान से, और अंधविश्वास पड़ता है बढ़ता है बनता है अज्ञानता से, तो आपको कैसा करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको, ये लगातार वेबिनार आपकी बहुत हेल्प करेंगे मैम। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए जी एक बार संभाल, सुभाष जी आप लीजिए, एक कॉल आ रही है मेरे पास। जी जी जी, नेक्स्ट अपने सुभाष चंद्रा जी हैं, वेलकम है सर आपका, आप आइए, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। सुभाष चंद्र जी जी, क्लियर है बिल्कुल, बोलिए सर। हाँ, तो
सर थोड़ी आवाज आवाज कम आ रही है सर, थोड़ा नजदीक करके पूछना। सर बीच में आवाज बोलिए सुभाष चंद्र जी, आवाज नहीं आ पा रही है सुभाष जी उनकी। चलिए कोई जी सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी अब अभी आ रही है सर, बोलिए। वेलकम सर। नहीं सर क्लियर नहीं है सर, समझ में नहीं आ रही। चलिए आप तो थोड़ा वो कर लीजिए सर, तब तक हम नेक्स्ट लेते हैं। अनिकेत शर्मा। अनिकेत शर्मा जी वेलकम आपका। हेलो जी जी बोलिए, कहाँ से सर आप, अपना परिचय दीजिए और अपनी शेयरिंग रखिए सर। सर मैं अनिकेत शर्मा अमरावती से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा सिर्फ दो प्रश्न है, जैसे कि अभी मैसेज आ रहे हैं कि प्रोफाइल में फोटो डालना जरूरी है ऐसा बताया जा रहा है, तो जरूरी है क्या सर ये? हेलो जी 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 जरूरी है, जरूरी सर, 100% जरूरी। क्योंकि सर अभी तो कैसे कि जैसे अगर मेरी 10 आईडी है तो हर एक आईडी में या फिर कुछ माइनर मेरी छोटे बच्चों की आईडी है तो उनके फोटो की कोई नीड नहीं होती है एक्चुअली, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है सभी में एक ही फोटो? सर कोई दिक्कत नहीं है, आप डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर उसमें। अच्छा दूसरा ये कि जैसे पूछना था कि जैसे इसी महीने में वो फाउंडर अगर लॉन्च होती है तो इसका मतलब सॉफ्ट लॉन्च हो रही है क्या, वो फाउंडर लॉन्च होना मतलब? आज वैसे क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है सर, फिर भी जो सॉफ्ट लॉन्च वगैरह की आप बातें कर रहे हैं सर वो आपको पता चल जाएगा जब इस तरह से आप मीटिंगों में कंटिन्यू रहेंगे। वो फाउंडर लॉन्च होना सॉफ्ट लॉन्च होना नहीं है सर। सर आपकी शेयरिंग रखते सर, आप मैं चाहता इसी में आके आया। नहीं नहीं सर मैंने ये वॉलपेपर पढ़ा था क्वेश्चन आंसर डे, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा था। एक मिनट। अच्छा सॉरी ये गलत लग गया सर, ये दोबारा बीच में डिस्कनेक्ट हुआ ना इस वजह से ये गलत वॉलपेपर लग गया, सॉरी। हाँ इसलिए। ओके ओके ठीक है। अंकित जी सर अपना शेयरिंग रखिए, आप वन पे सिम आए कैसे थोड़ा सा शेयर करिए उस बारे में। सर जैसे कि वन पे सिम में अभी देखा जाए तो सभी लोग खुश है, लेकिन मेरी एक थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। जैसे किसी ने मेरे अप्लाई किए इसमें डिस्टरबेंस हो रही है सर, ये मेरी ओर से डिस्टरबेंस नहीं है सर, ये नहीं आपके ओर से नहीं किसी और। हाँ चलिए आप बोलिए। जैसे एमएलएम तो बहुत सारे सालों से कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने जैसे अमरावती से एक अपलाइन ने प्लान के बारे में बताया तो मैं तुरंत ज्वाइन होने के लिए मेरे कुछ दोस्तों को लेकर उनके पास गया था। तो जैसे फिर उन्होंने प्लान बताया तो वो जो अपलाइन है तो उन्होंने मेरे साथ एक धोखा किया कि उन्होंने मेरे दोस्तों को मेरे पीठ पीछे अपनी आईडी में ज्वाइन कर लिया खुद की ज्वाइनिंग, और मुझे इस बात को बताया नहीं गया। और काफी बहुत सारे दिनों के बाद फिर पता चला कि मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे अपलाइन के नीचे ज्वाइन हो चुके और फिर भी मैं ज्वाइन नहीं किया मेरे को, तो फिर ये बहुत सैड फीलिंग हो गई थी। तो इसलिए मैं फ्रस्ट्रेशन में फिर कैसे कि मेरे जो दोस्त लोग थे तो उन्होंने भी मुझे बताया नहीं, मेरे अपलाइन ने भी बताया नहीं, और उन्होंने फिर काफी बड़ी टीम बनाई, तो इसलिए मैं काफी फ्रस्ट्रेट में अभी तक हूँ। एक्चुअली अगर मैं काम करता हूँ तो मैं एक महीने में 10,000 लोगों की टीम बनाने की वैल्यू रखता हूँ, लेकिन अभी फ्रस्ट्रेशन में फिर मैंने कोई टीम नहीं बनाई है और मैं चुपचाप से ज्वाइन हो चुका हूँ, सिंगल आईडी लेके अभी बैठा हूँ। तो मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, हजारों लोग बना रहे लेकिन मैं उतना खुश नहीं हूँ कि भाई अभी चलो जो पैसा आएगा उससे कुछ सोशल वर्क करेंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे, इस तरह से पहले तो हम थैंक यू कहना चाहेंगे सर अंकित शर्मा जी, आप इस मंच से जुड़े हैं
और आपके जिन्होंने भी आपके साथ इस तरीके से गलत किया है डेफिनेटली वो बहुत गलत है, और हम आपके भावनाओं को इस मन से समझते हैं कि सर, हाँ जी सर, थोड़ा हानि के सर से पूछना चाहेंगे जी। सर जब आपके सीनियर ने आपको बताया तो क्या आपने उसी टाइम आपको ज्वाइनिंग ली थी या आप वेट करते रहे, थोड़ा सा बताएंगे सर, तभी हम कुछ इस बारे में बोल पाएंगे सर। हाँ सर, इसमें जैसे इस तरह हुआ कि जैसे जब सीनियर ने बताया तो उनको मैंने एक हफ्ते का वक्त मांगा था और वो बोले कोई बात नहीं है, हम एक हफ्ते के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेकिन इस एक हफ्ते के बीच में उन्होंने मेरे जो भी साथी लोग थे उनको खामोशी से अपने नीचे ज्वाइन कर लिया था। अभी बैड लक ऐसा हो कि मैं उसके 8-10 दिन के बाद फिर जब ज्वाइन हुआ था तो फिर वो मेरे दोस्तों के नीचे मैं ज्वाइन हुआ, ये एक बहुत बड़ी बैड फीलिंग आई थी मेरे लिए। सर वो आपके पे डिपेंड करता है, यदि आप तुरंत डिसीजन ले लेते सर, देखो हम किसी को वो नहीं कह रहे हैं, न आपसे कोई शिकायत है ना आपके अपलायन से, हम सभी एक फाउंडर साथी हैं और इस फैमिली के हिस्सा हैं सभी। तो लेकिन आप में थोड़ा सा जो डिसीजन पावर थी वो हो सकता है कम हो, और जो आपके साथ काम करते थे, हम किसी के ऊपर नीचे वाली कोई बात ही नहीं है सर यहाँ पर, लेकिन जो आपने डिसीजन लेने में देर की, हो सकता है उसकी वजह से वो जो आपके साथी आपके साथ काम करते थे वो थोड़ा सा पहले आ गए और आप थोड़ा सा बाद में आए, तो उसमें कोई ऐसी फीलिंग वाली बात नहीं है सर। क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमारा वेट करेगा कोई भी, हमारा जो भी पिछला काम है या ट्रेडिशनल काम हम करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं होती सर, ये कोई फीलिंग वाली बात नहीं। और आप बोल रहे हैं कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 10,000 लोगों की टीम खड़ी कर सकता हूं, तो वाकई में आप में वो पोटेंशियल है सर। लेकिन यदि आपने नहीं की है तो इतने लोगों का यदि आप भला कर सकते थे और आपने अभी तक नहीं किया है, तो वाकई में हम आपको भी कहना चाहेंगे सर कि आपने भी बहुत बड़ी गलती पे गलती कर दी है सर। तो सर थोड़ा सा इस बात पे आप भी गौर कीजिए कि आपका, या तो ये एक साथियों के लिए संदेश भी है, बहुत से साथी ऐसे जो डिसीजन पावर उनकी थोड़ी सी कम होती है और वो डिसीजन लेने में टाइम लगा देते हैं, तो जब कोई साथी दूसरा उनको आके उनको बताता है, उसके जो साथ है काम करने वाले होते हैं, तो वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, तो उसमें न तो उस सीनियर का कसूर है और न ही आपका, क्योंकि आपने थोड़ा सा डिसीजन लेने में देर कर दी तो वो आपका वेट नहीं करेंगे सर। तो थोड़ा सा अटपटा सा लगा सर। बाकी हरीश जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल सुभाष जी, और देखिए वो डिपेंड करता है अनकेसी उस समय की परिस्थितियों के आधार पर, लेकिन हम आपको केवल इतना कहना चाहेंगे कि आपके अंदर जो अभी जो बैड फीलिंग या उस तरह की जो भाव आ रहे हैं उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये टीम का और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग हमने करी है पिछले 10-15-20 सालों तक, तो एक माइंड सेट हमारा उसी तरीके से बना रहता है, तो आप अपने अंदर से वो भाव निकालिए सर, आप एक बहुत बड़े सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, और दूसरे लोगों का जो हो गया सो हो गया सर, उसको उस पर मिट्टी डालिए, और आप आपकी वजह से किन लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं, आप उसमें कितना योगदान दे सकते हैं, हम आपको ये कहेंगे कि उसमें आप अपना तत्परता के साथ लगिए सर, क्योंकि पीछे की चीजों को हम बदल नहीं सकते, वो क्या कारण रहे, किस वजह से क्या हुआ, वो हो चुका है, आप उसको नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आज क्या कर सकते हैं हम, उस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसा कोहिनूर या कह लीजिए कि एक पारस पत्थर हमारे हाथ में ऑन पैसिव के रूप में लग चुका है, जिससे हम सैकड़ों हजारों लाख लोगों की जिंदगियां बदल सकते हैं। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आपको अपने पोटेंशियल का पूरा उपयोग करना चाहिए सर, हम तो आपको यही संदेश देना चाहेंगे। हम एक बात आपको कहना चाहेंगे, यदि आपने डिसीजन लिया होता और जो आपने साथी मिलवाए थे आपके डिसीजन लेने के बाद, आपके एंटर करने के बाद पैसे में, यदि वो कहीं दूसरी जगह लगाता है तो वो तो है गलत है, लेकिन यदि आपने डिसीजन नहीं लिया और आपसे पहले आपके जो साथी थे उन्होंने डिसीजन ले लिया,
तो उसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते सर, वो कहीं ना कहीं हमारी खुद की ही गलती होती है और खुद की गलती को हम खुद ही सुधार सकते हैं सर। तो आप वाकई में आप में जो इतनी पोटेंशियल है सर, आप उसका यूज कीजिए और बहुत से जो परिवार है उनमें आप खुशियां देने का काम कीजिए। हम तो आपको यही बात बोलेंगे सर, क्योंकि आप में जब इतना कॉन्फिडेंस है, मैं 10,000 लोगों की टीम बना सकता हूं, तो आप 10 की नहीं तो आप बहुत से साथियों की जिंदगी में परिवर्तन लाने में सहयोग दे सकते हैं। तो आप कंटिन्यू इसके बारे में, उन बच्ची के बारे में जानकारी दीजिए सर, और टीम का कोई मैटर नहीं है, या टीम तो अपने आप, जैसा कि एस सर बोलते हैं, आप अंदर आ गए हैं तो इतना ही काफी है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपका जो शेयरिंग रखा आपने, और इससे आपकी जो सोच है इससे बाहर निकलिए और अपना कंटिन्यू जो भी भलाई का काम वो करना स्टार्ट कीजिए सर। थैंक यू सर आपका। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट जी, अगर सुभाष जी हो गए रेडी तो अगर वो कर पा रहे हैं, कमांडेंट साहब। चलिए गोपाल बुलाते हैं। हाँ जी, हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी कमांडेंट साहब। हाँ, मैं कमांडेंट रिटायर्ड सुभाष नजफगढ़ से हूँ, और एक साल से एक महीना ऊपर हो गया मुझे ज्वाइनिंग करने के लिए किए हुए जी। तो मेरे अपलाइन है डॉक्टर बलवीर सिंह दादरी से, उन्होंने मेरे को बताया था, तो हमने उसी समय खुद डिसीजन लेकर के, तो सुबह उन्होंने बताया था तो शाम तक हमने उनको मतलब ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया कि हाँ भाई ले पैसा लो ज्वाइन करा दो। तो ये सिस्टम जिसकी समझ में आ जाता है तो वो तो फटाफट डिसीजन ले लेता है, और जिसकी समझ में नहीं आता है या फिर वो अपने विचारों को सिस्टम के बारे में व्यक्त नहीं करता है तो वो फिर सुंगू भरा करता है अपने आप को भी, जो भी उनको बताते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने देखा है कि मैं तो अभी रिटायर हो गया, घर पर ही रहता हूँ तकरीबन, थोड़ा तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो नहीं तो हम भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करते किया भी है। और जैसा कि अभी लक्ष्मी जी ने बताया था, लक्ष्मी प्रिया ने, तो काफ़ी अच्छा उनका शेयरिंग रहा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जिसने सही समय पर डिसीजन ले लिया वो हमेशा जीत हासिल करता है। बाकी टीम ग्लोबल और टीम चैंपियन कल का प्रोग्राम बहुत ही तारीफ़ काबिल रहा, और जिसमें कि देवीलाल चौहान जी आए, उन्होंने काफ़ी मोटिवेशन स्पीक किया और हम उसको सुन करके बहुत ही हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचालन हुआ है। और बाकी तो मैं यही कहूँगा, ये इंटरनेट बिजनेस है और इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आज की जो आ रही, आने वाला समय जो है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही होगा, और इसमें एआई बेस सिस्टम है, इसमें किसी का वो नहीं है कि भाई किसी को कमीशन कम आएगा किसी को ज़्यादा आएगा, वो सब उसका मशीन के ऊपर डिपेंड है, वो सारा का सारा निष्पक्ष कमीशन देगी। और आने वाले भविष्य के बारे में मैं तो यही कहूँगा, जिसकी किस्मत में है वो ज्वाइन करेगा, और जिसकी किस्मत में नहीं है वो 100 बार सोचेगा और बाद में पछताएगा ही। तो सुभाष नैन जी, ओपी वर्मा जी, लाला वश जी और मास्टर हरीश जी, आप लोगों की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो भी जुड़ता है इस टीम में वो आपके मोटिवेशन स्पीक से उसके सब क्लियर, उसके सक्षम संभावनाएं, शंका सब दूर हो जाती है। तो ये मंच बहुत बढ़िया चल रहा है, और मैं तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी टीम का, टीम बीकॉन फायर का, जो कि इतना अच्छे तरीके से लोगों को संभावना भरे जीवन के लिए प्रेरित करते हैं, और सभी फाउंडर जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोर टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आगे भविष्य उज्ज्वल है। और आज आपने जो वीडियो के लिए भेजी थी पिक्चर लगाने के लिए, वो बहुत ही अच्छा है, हम कोशिश कर रहे हैं, आज तकरीबन सभी जितने भी मेरी टीम है सभी को लगवा देता हूँ मैं, तो मैसेज आपका दिया वो फॉरवर्ड कर दिया मैंने, और ये आगे भविष्य के लिए मैं तो ये कहूँगा, जैसे कहते हैं ना, जिसकी समझ में नहीं आया
उसको जरूर करना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है, ये आठवां अजूबा है इस संसार में, और इसमें जो आएगा वो अवश्य जीतेगा पक्का इसमें, क्योंकि इंटरनेट जो बिजनेस है आने वाला समय इंटरनेट के ऊपर ही चलेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन सारा का सारा सिस्टम इसके अंदर आएगा। और लोग बाग जो अभी आ रहे हैं जिसने सही समय पर डिसीजन ले लिया वो आगे उज्जवल भविष्य होगा उसका, और याद करेंगे भाई उसने मेरे को इस सिस्टम को दिया। जैसे कि मैं बलबीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इस बिजनेस आने के बारे में, और पूरी टीम बीकॉन फायर को मैं धन्यवाद करता हूँ जो अपने लगन के साथ में हमारे मोटिवेटर अपने हरीश जी हैं, इनकी स्पीक को तो मतलब पूरा जितने भी मंच चल रहे हैं आज इंडिया में सभी की सभी तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हरीश जी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच कमांडेंट साहब, और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और डेफिनेटली आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे इसी तरह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हमारे साथी हैं, बहुत ही जबरदस्त बात और रखते हैं, मिस्टर गोपाल जी। गोपाल जी आपको प्लीज अनम्यूट किया जाता है, प्लीज आइए, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। विकम फायर के सभी उपस्थित इस वेबिनार में सभी फाउंडर को हमारा नमस्कार। ये एक ऐसा वेबिनार है सर कि रियल में दिल को छू जाता है, और हरीश सर ने जो अभी सही में जो ग्रुप में डाले हैं फोटो लगाने के लिए एकदम लाजवाब सर, जो कि एक जो नहीं भी समझ पाता उसको उस वीडियो को देख करके अपना फोटो को एकदम इजी वे में लगा सकता है। और इसीलिए सर हम सभी मित्रों को, सभी फाउंडर को, जो इसमें करीब करीब हमको लगता है सभी फाउंडर ही होंगे, सभी फाउंडर को मैं यही कहूंगा कि इस वेबिनार में जरूर आइए सर। नहीं आने से क्या होगा कि जो हम लोग जो ज्ञान से ना अछूते रह जाएंगे सर, अज्ञान से अछूते रहेंगे, तो हो सकता है जैसे कि अभी फोटो का ही जिक्र है, तो फोटो का जो जिक्र है तो वो बाद में करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से नेक्स्ट हम लोगों का ये डालना होगा, सब्सक्रिप्शन डालना होगा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा सर, ये जो 10 लाख का जब कंप्लीट हो रहा था, हमारे साथ में राकेश जी भी है, राकेश जी और भी हमारे जितने भी साथी हैं उन लोग सभी, किसी के पास में दो लोगों का पैसा था, किसी के पास में 3 लोगों का पैसा था, डालने के लिए सर सुबह से शाम तक मशक्कत करते रह गए। किसी कभी उस दुकान के पास जाते थे कि कोई जो मनी ट्रांसफर करता है वो कर दे, किसी कार्ड के पास किसी कार्ड वाले को ढूंढते थे कि कोई कार्ड से मेरा कर दे, इस तरह से समझे मैंने कि सुबह से शाम तक हम लोग कस्मे कस्मे बीतते रह गए। और दूसरी बात सर, हम लोग जब डैशबोर्ड को देखते थे तो क्या हुआ कि 9933, उसके बाद में जस्ट थोड़ा सा ये में गया, मेंटेनेंस में गया, और जब खुलता है तो 9994400 पार कर गया, फिर थोड़ा देर मेंटेनेंस में गया, फिर खुला तो 800 हो गया। तो अब ऐसा लगता था ना कि अब मेरी टिकट तो छूट गई, मेरी ट्रेन तो छूट ही जाएगी। इस तरह से जो कसमे कस हुआ था ना सर, उसकी कोई अब वो हालात को अब देखने लायक था सर। हम लोग लगता था कि हम लोग छूट जाएंगे। जो साथी आए हैं हम लोग का भरोसा लेकर के कि सर हम भी इसमें आना चाहते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता था कि वो तो हम लोगों को ये करके माने निश्चिंत हो गए कि रजिस्ट्रेशन करा करके और साथ में घूम रहे हैं, उनको उतना ही लग रहा है, पर हम लोगों को लग रहा था कि कहीं हमारे चलते उनका ना कहीं ये पीछे रह जाए। और सही में सर हम लोग 4-5 घंटे तक जो मशक्कत किए हैं सर कि, और उसका कोई अब कोई शब्द नहीं है कि हम यहाँ पर उजागर करें और उसको दिखा सके सर। हमको लगता है सर यही हाल हार्ड सॉफ्ट लॉन्च जब आखिरी फाउंडर आएंगे ना सर, उस समय और ही गजब का होगा, ये देखने वाला होगा। क्योंकि कमांडेंट साहब को क्या है सर, कमांडेंट साहब जो अभी हमको शेयरिंग किए वो रिटायर पर्सन है, उनको कोई इस तरह से बोलने के लिए कोई पैसा नहीं दिया कि उन्होंने कोई ये नहीं किया, पर कमांडेंट साहब इसलिए बोल रहे हैं कि हकीकत वो समझ गए हैं इस चीज को, क्योंकि अटेंड करते रहते हैं। मैं इसीलिए सर जितने भी इस अभी सुन रहे हैं
करीब करीब 46 लोग हैं, तो रेगुलर इसको अटेंड किए सर। और एक सूचना, हमारा जो नेशनल वेबिनार है वो कैंसिल है सर, इसलिए कोई हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है सर यहाँ, क्योंकि नेशनल वेबिनार हमारा कैंसिल हो चुका है। तो इसलिए मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा सर कि इसमें आए और इस इतने अच्छा वेबिनार ये को जरूर ये अटेंड करें, इसका लाभ उठाएं, और आपसे ज्यादा अनुभूति होगी हमारे हरीश सर को और हरीश सर के जितने भी कोर टीम के मेंबर है उनको खुशी होगी कि हमारे इस मंच पर आकर के लोग अच्छे अच्छे ज्ञान अर्जित किए और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने ही आना काफी है, अपने ही आना काफी है। पर अगर जिस व्यक्ति को लगता है कि हम उनको शेयरिंग करें और शेयरिंग करने से अगर वो आ जाते हैं, उनके नसीब में अगर है आ जाते हैं, तो हमारे साथ साथ उनका भी भला होगा। और ये बात बहुत गजब की लगती है सर कि अगर हम अकेले रह जाएंगे अपने मोहल्ले में या अपने कस्बे में, तो हम अपनी बात शेयरिंग करेंगे किससे? देखिए होता क्या है ना कि जो ऑफिसर कैटेगरी के लोग होते हैं तो ऑफिसर से ही अपने शेयरिंग करते हैं, वो नीचे क्लास के लोगों से नहीं करते हैं। तो ये ऑफिसर कैटेगरी से भी बहुत ऊपर है सर। हम अगर बात आप करेंगे तो फाउंडर से ही बात करेंगे और उनकी भाषा वही समझ पाएंगे, उनकी मुसीबत तो नहीं, उनकी शेयरिंग को उन्हीं से करेंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा। नीचे वाले को बोलेंगे जो चाहे जो अनफाउंडर है, जो फाउंडर नहीं है, सिविलियन है, उनसे अगर ये बात करेंगे तो जचेगा ही नहीं सर, आपकी बात को समझेंगे ही नहीं। और आने वाला समय तो रियल में सर इसका तो कोई लाजवाब ही नहीं है, आप सेलिब्रिटी के जैसा ही आपका सभी फाउंडर का ये होगा, ये तो एकदम डन डील। एस सर भी बोलते हैं और हरीश सर भी बोल रहे हैं, बताते हैं हर एक बनी वेबिनार में, डन डील छोड़कर यहाँ कोई शब्द है ही नहीं सर। इसीलिए हम तो अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, बात बाकी सारे फाउंडर तो अपनी शेयरिंग दिए हैं, तो मैं यही बोल करके मैं हरीश सर को हैंडओवर करूंगा। थैंक यू गोपाल जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि किस तरह की मारामारी दो दिन पहले हमें देखने को मिली। और साथियों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अभी अपने पास टाइम है, आप अपने डेबिट कार्ड को आप कन्वर्ट कीजिए इंटरनेशनल, क्योंकि देखिए कोई जब ये पैकेज आएगा तो एक तो इसकी कीमत भी ज्यादा होगी, 20-25 हजार रुपए एक व्यक्ति का पैकेज को लेना होगा, तो कोई किसी भी कार्ड से नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत मोटा पेमेंट हो जाएगा और वो दिक्कत महसूस हो सकती है किसी को भी। तो अभी समय है, आप नया खाता खुलवाइए इंटरनेशनल, उनको बोलिए बैंक में जाकर के हमें इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए, आप अपनी पेमेंट को अपने पैकेज को अपने कार्ड से ही करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग अपने अपने खाते को अपग्रेड कीजिए, अगर कार्ड आपका है तो उसको ग्लोबल कीजिए, नया खाते की आवश्यकता है तो नया खाता खोलिए, क्या फर्क पड़ता है, आप मालिक हैं, आप इतने बड़े सिस्टम के आप ओनर बनने जा रहे हैं, तो इस तरह के उसमें ना पड़े। और आज जैसे ये फोटो वाली बात आई तो मैं जैसे स्कूल से निकला तो मेरे पास फोन पे फोन आने शुरू हो गए, ये कैसे करना है जी सर, ये कैसे करना है। तो फिर मैंने रास्ते में गाड़ी रोकी और फिर मैंने ये वीडियो बनाई गोपाल जी, और मगर यार ये वीडियो बना के डाल दूं ताकि सभी लोग अपने आप हिसाब से देख ले, नहीं तो ये पैनिक क्रिएट होगा, लोग बार बार फोन करेंगे है ना अपने अपने लीडर्स को, तो इसलिए ये वीडियो बना के डाली गई ताकि सभी लोगों को एक बार में समझ में आ जाए कि कैसे काम करना है। बहुत सुंदर सर। सर एक बात और मैं कहना चाहूंगा सर कि अच्छा ये सर बोला जाता है कि बैक ऑफिस को हमको शेयरिंग करना है, तो ये तो कहीं गलत हम लोग तो नहीं ना कर रहे हैं सर, इसको भी थोड़ा सा? नहीं, वो उस इंफॉर्मेशन के लिए होता है जो लीडरशिप काउंसिल या इंटरनल जो इंफॉर्मेशन वेबिनार्स हैं, जो हमारे फाउंडर्स ओनली वेबिनार होते हैं है ना, उनको हम नहीं आउट कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा, ये सपोर्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके सर, थैंक यू। हरीश सर जी आवाज आ रही है सर? हाँ जी वर्मा जी प्लीज। सर मैं किसी ट्रांजेक्शन के बारे में बताना चाह रहा था सर कि बैंक से बढ़िया वे हमारा पेटीएम वाला। हाँ बिल्कुल सर, ये प्लीज ये शेयर कीजिए सर, डिटेल में बताइए सर। बहुत बढ़िया, हाँ सर, उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से है कि आप पेटीएम की ऐप डाउनलोड कीजिए और उसकी अपने कोई भी नजदीक पॉइंट से केवाईसी कंप्लीट करवा लो पहले,
पेटीएम के अकाउंट की केवाईसी करवाने के बाद उसके अंदर ऑप्शन है पेटीएम बैंक। पेटीएम बैंक के अंदर जाके सर उसके अंदर आपका कार्ड आएगा, उसके अंदर उस कार्ड को आपने क्लिक करके उसके आगे जो प्रोसीजर है मैनेजिंग करने का, मैनेजिंग करने के बाद उसके अंदर इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, उसको आपने इनेबल करना है। साथ के साथ ही एक्टिवेट है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर, एक सेकंड के अंदर पेमेंट होती है, ना कोई बैंक में जाना, ना कहीं आपने कहीं और जाना। उस पेटीएम के साथ अपना जो बैंक आप अटैच करोगे उस बैंक में से पेमेंट आप अपने पेटीएम के अंदर आ जाएगी, पेटीएम से विद इन सेकंड आपकी पेमेंट वहां चली जाएगी और सिर्फ 4% उसके ऊपर चार्जिंग लग रही है सर। ओके, मतलब बहुत बढ़िया वे है सर, बहुत बढ़िया तरीका है। बैंक में जाते हैं, इनेबल करते हैं वो ना, बहुत से बैंकों के अंदर ये फैसिलिटी नहीं करके देते, कस्टमर को दिक्कत भी आती है, ये सिस्टम सबसे बढ़िया है सर। कल को हरी सर आप एक इसके ऊपर वीडियो बना के, हाँ मैं यही सोच रहा था सर, इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे जल्दी और सबको बता दें, वो क्लियर करके दे दो ताकि उसमें, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है, पेटीएम सभी कर सकते हैं। कई बंदों के बैंक में अकाउंट नहीं है तो उसको दिक्कत होती है, या बैंक कई नहीं, बंदों सर, पेटीएम से कनेक्ट होने के लिए सर बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, बैंक अकाउंट का होना जरूरी है सर, ये मानते हैं, लेकिन कई शहरों के अंदर है सर कुछ दिक्कत इस तरह से, छोटे बैंक वगैरह होते हैं उसके अंदर एक इंटरनेशनल वगैरह वो ट्रांजेक्शन नहीं करते, कई बंदों ने अपने कार्ड ही नहीं बनवा रखे। जी जी, ठीक है ना, क्योंकि कार्ड की भी एक वो होती है, जो छोटे कार्ड होते हैं उनके अंदर शायद वो ना करके दें, जितना बड़ा अकाउंट होएगा जैसे क्लासिकल है अपना ये अकाउंट है उनके अंदर तो ये फैसिलिटी डे वन से होती है, बाकी में बहुत सो में फैसिलिटी नहीं है। पेटीएम के अंदर ये बहुत बढ़िया चीज आ रही है सर, इसको आप साथ की साथ ही एक्टिवेट कर सकते हो। मैंने बिल्कुल इसके ऊपर बहुत थोड़ा डिटेल में और क्लियरिटी के साथ एक वीडियो बनाएंगे और वो जल्दी आप सर वो सर आप अपने ग्रुप में डाल दो ताकि अपने लोगों को तो कम से कम उस फैसिलिटी का पता लगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेटली जी सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वर्मा जी, बहुत सही आपने याद दिलाया, आप अपनी बात भी हुई थी इस विषय में और आपने इसको एक्टिव किया भी है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए राजेश कुमार चौहान जी को अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। राजेश कुमार चौहान जी प्लीज आइए, वेलकम है सर आपका, ये छत्तीसगढ़ से हैं राजेश जी और बहुत ही एक्साइटेड लीडर हैं ऑन पैसिव के, प्लीज वेलकम सर। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? जी सर, हेलो मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी आ रहा है सर, प्लीज करिए अपनी बात रखिए। हाँ सर, टीम बीकॉम फायर के सभी को, होस्ट सभी को मेरा नमस्कार। सर मैं राजेश कुमार चौहान जसपुर छत्तीसगढ़ दुलदुला ब्लॉक से बात कर रहा हूँ। सर आज मेरा 1 साल 1 महीना 8 दिन ज्वाइनिंग हुआ सर। क्या बात है, आप तो एक एक दिन गिन रहे हैं, वेरी गुड सर। इतने अच्छे, इतना एक्साइटेड, कल का प्रोग्राम, अभी डेली का डेली आप लोगों का ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं इसमें इतना एक्साइटेड है सर, इतना एक्साइटेड है कहने ही नहीं है सर। और अभी ये 10,000 1,00,000 जिस दिन हुआ उस दिन, जैसे अभी कुछ लोग और शेयर किए उसी टाइप का, हम लोग भी दिन भर भिड़े रहे सर, शाम रात तक देखते रहे, कुछ आईडी लगा ही रहा, कुछ ऐसे ही वेटिंग में रहा, इसी टाइप का चलता रहा सर, काफी अच्छा रहा सर। और कल तो देवीलाल चौहान सर और फुल एक्साइटमेंट के साथ में जितने भी ऊर्जावान अपने पास रखे उसको पूरा भर दिए, बहुत अच्छा लगा सर। सर जैसे आज शेयरिंग का डेट है जी, तो ज्यादा तो मैं ये नहीं कहूंगा, जितने भी अभी जो ये जो क्वेश्चन आते हैं ये हम लोग भी ये कुछ सबको पूछ देते हैं या जो जानकारी नहीं होता है। और एक बैग ऑन पेशी के कुछ चीज ऐसे भी हैं जो लगातार वेबिनार में बोला जा रहा है फिर भी उस चीज को नहीं जानने की वजह से, या अपना यहाँ जो वेबिनार में नहीं आने की वजह से वो बता नहीं पाती या सुन वो उनको जानकारी नहीं रहता है। मेरा कहने का मतलब यह है सर कि जितने भी हैं सभी रिकॉर्डेड वेबिनार हैं, यूट्यूब में भी हैं, जितने भी खाली समय है उसको देख सकते हैं और अच्छे तरीके से इनका जानकारी ले सकते हैं सर। और सर एक
सभी के सभी आदमी में, सभी पर्सन में कुछ ना कुछ एक अपना क्या कहना चाहिए, वर्चस्व रहता है। उस वर्चस्व को निखारने का एक जगह हम लोग का ये जो टीम बिकॉम फायर का ये जो प्लेटफार्म है, इसमें अलग डेट में अलग अलग डेट में अलग अलग चीज का रखा जाता है। उसके हिसाब से आदमी आए और सीखे, शेयर करे, समझे, सुने। बस इतनी कहकर ही सर अपना वाणी विराम करता हूँ। थैंक यू चौहान साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी और संदेश भी दिया सभी फाउंडर्स को। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, ओके सर, ओके। चलिए तो नैन सर कार्यक्रम को समापन की तरफ ले चले। जी जी, टाइम भी हो गया सर अब। जी तो देखिए समय किस तरीके से निकल जाता है, ये वेबिनार की पावर है, पता ही नहीं लगता कितना एक घंटे से डेढ़ घंटे के करीब होने को है। और आप सभी लोगों के पेशेंस को हम बहुत सलाम करते हैं, और आप सभी लोगों का जो प्यार ऑन पैसिव टीम बिकॉन फायर के इस मंच को मिल रहा है, तो हम पूरी कोर टीम की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम आज के कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके चलते हैं, तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो सीनियर साथी हैं वर्मा जी एक बार प्लीज आएं और आज के कार्यक्रम को कंक्लूड करें। सर प्लीज, वेलकम वर्मा जी। जी जी जी, थैंक यू हरीश सर। सर अब लगता है कि मंच मतलब जो जिस काम के लिए बनाया था वो सार्थक सिद्ध हो गया सर। हरीश सर जी 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 बिल्कुल, अब मतलब खुल के साथ ही डिस्कस भी करते हैं और मंच में हरा भरा सा मंच लगने लग गया सर। अब मतलब ये लगता है कि हमारा जो प्रयास था वो सार्थक हो गया सर। बिल्कुल, कई बार वर्मा जी पहले शुरुआती दिनों में लोग 15-17 एक दिन तो कितना दिमाग खराब हुआ था, 8-10 लोग थे तो लगा था कि यार बंद करते हैं इस सारे, हमें क्या जरूरत है, ऐसे ऐसे फीलिंग आई थी। सभी चल तो रहा ही है सिस्टम, लेकिन फिर एक वो जोश आप सभी लोगों के सहयोग से आया और आज वो चीजें होती रही। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। देखो आज कितनी बढ़िया शेयरिंग हुई है, कितना अच्छे तरीके से लोगों ने अपनी बातें रखी है, तो मतलब आज वास्तव में सर ये लगा है कि नहीं, हमने जो प्रयास किया था वो व्यर्थ नहीं गया हमारा। और बाकी जो ट्रांजेक्शन के बारे में सर कल आप हम एक वीडियो बना के डालेंगे मंच के ऊपर अपने ग्रुप के अंदर, ताकि लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। और दूसरा, कुछ साथियों ने जो प्रॉब्लमें बताई हैं सर, उसका तो बस यही है कि जैसे खुद नॉलेज है नहीं है ना, नॉलेज लेना चाहते तो हमें आगे बताने की क्या जरूरत है। आगे बताने में कोई यहाँ टीम बना के कोई हमारे को ये तो है नहीं, अभी कमीशन आ रहा है, कुछ और आ रहा है, या हमें कोई गोल्ड मेडल मिल जाएगा। जिन बंदों ने नॉलेज लेनी नहीं है, बहुत से बंदों ने कसम खाई है कि मैंने तो कुछ सीखना नहीं है, तो फिर उसको जरूरत भी क्या आगे बताने की, वो खुद आ गया है, बात खत्म है। ठीक है, अगर वो चाहता है कि मैं किसी को आगे बताऊं या मैं अपनी टीम बनाऊं, तो सर टीम के लिए तो पहले खुद एजुकेट होना पड़ेगा बंदे को। इतनी बढ़िया बढ़िया यहाँ तो सर इतना कुछ मटेरियल पड़ा है कि आप टीम बिकॉन फायर का कोई भी आप प्रेजेंटेशन वाई वन पैसिव ये सिर्फ दो वीडियो देख लो, आपको जरूरत ही नहीं है किसी से क्वेश्चन करने की। टीम चैंपियन के कितनी कितनी बढ़िया जानकारी, जिस दिन सर आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, एक एक प्रोडक्ट की पूरी डिटेल में बताते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते लोग। जैसे अभी विमला बहन जी ने बताया है कि मैं आगे बता रही हूँ, या उसकी जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए थे कि उन्होंने खुद ABCD भी नहीं अभी तक इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की। तो हमारी देखो यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम नॉलेज जरूर गेन करो, क्योंकि ये आपका अपना है, ये आप इसके मालिक हो, उसकी पावर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, आपने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, आप एक बहुत बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो। और कम से कम मालिक को ये तो पता होना चाहिए कि भाई तेरा पद क्या है, तेरी पावर क्या है, इतनी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बाकी बहुत बहुत कुछ सीखने को सर, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो इतने अनुभवी किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 30 साल का एक्सपीरियंस है, और जो लोग हमारे कमांडर साहब जैसे इस एज के अंदर आके मतलब हेल्थ उनकी साथ नहीं दे रही, लेकिन उनके मन में आज भी ये है कि मैं किसी और का कितना भला कर सकता हूँ, एक मानवता के लिए एक मिसाल है सर। तो इन ऐसे ऐसे इंसानों को सलूट है सर,
और हरी सर आपकी क्या तारीफ करें सर, आपने तो कमाल करके किया हुआ है कि इतना कुछ संभाला हुआ है सर आपको, मतलब परमात्मा की इतनी दुआएं मिलेंगी सर, इतनी दुआएं मिलेंगी कि बस पूछो ही ना। तो साथियों इसी तरीके से मन से जुड़े रहो, अपनी टीम बिकॉन फायर का जो यूट्यूब का चैनल है, फेसबुक का जो पेज है, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। अपने मूल मंत्र एक वी आर इन इट टू बी नीट के साथ अनम्यूट का अनम्यूट का ऑप्शन देने जी 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 सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है। वी आर इन टू We are in it. से कहते हैं कि ऑन पे शू करते हैं।